फटाफट फड़ से आ गए हो तो अपनी हाजिरी लगा दो सेशन को लाइक करके बता दो कि यस मैम वी बच्चे अपना पीपीएफ जरूर लेकर आए पीपीएफ क्या है पेन पेपर एंड फोकस ठीक है लेके आ गए हैं तो इस चैप्टर को बेटा जी खत्म करते हैं आप जानते हैं कल का दिन बहुत ही शुभ दिन था क्यों क्योंकि कल था 20 जनवरी कल बेटा हमारा एपिक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है था है ना कल हमने फर्स्ट क्लास उसकी लगा ली है हमने सेल चैप्टर को शुरू कर लिया है और आज हम इस सेल चैप्टर को खत्म भी करने वाले हैं ठीक है 90 डेज क्रैश कोर्स का डे वन इज नाउ कंप्लीट जिन बच्चों ने डे वन कंप्लीट कर लिया है मेरे साथ फटाफट से वो मुझे पोल में बता दें कि यस मैम वी वर प्रेजेंट इन दैट क्लास एंड वी एंजॉयड दैट क्लास वी हैव अटेंडेड दैट देखो अब ये मत सोचो कि क्या क्लास है क्या चैप्टर है या यू you नो know, क्या यूनिट चल रहा है जो चल रहा है ना

एक ही दिन हुआ है अगर आप अभी भी चाहें तो आज इक्कीस तारीख है मैंने बताया था ट्वेंटी फर्स्ट इज द लास्ट डे ऑफ एनरोलमेंट लास्ट डे है बेटा आज एनरोलमेंट का अगर आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं आप जानते हैं फोर नाइन नाइन का नहीं पड़ेगा आपको क्या लगाना है बस कोड लगाना है क्या कोड लगाना है सीप लाइव लगाना है और बेटा आपको ये क्रैश कोर्स पड़ेगा फोर फोर नाइन नाइन का कितना फोर फोर नाइन यानी कि फोर्टी फाइव हंड्रेड का एक क्रैश कोर्स पड़ेगा जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी है लाइव क्लासेस भी है जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगी और बेटा आपको प्रॉपर गाइडेंस भी है हर टीचर की मेरी पूरी टीम की गाइडेंस भी है ठीक है जी ओके कहा गए ओके रेडी टू स्टार्ट एड्स एड्स शुरू करें बता दो फटाफट से जिसने ले लिया है बहुत अच्छी बात जिसने नहीं लिया है वो आज ले लो जो नहीं ले सकता है किसी वजह से वो YouTube पे रेगुलर रही है वो YouTube पे रेगुलर रहिए ठीक है बात सिंपल है यू you नो know, अपने माइंड में क्लैरिटी लेके चलो लेना है नहीं लेना है ले लिया तो पहुंच जाओ नहीं लिया है तो यहां से पढ़ो ठीक है हर जगह से सिलेक्शन होता है बेटा आपकी सीरियसनेस की बात है सिलेक्शन तो बेटा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एवरी प्लेस कैन गिव यू सिलेक्शन इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ योर डेडिकेशन योर सिंसियरिटी आप जहां जाकर एफर्ट कर दोगे वहां से आपका सिलेक्शन हो जाएगा आप यूट्यूब पे भी एफर्ट कर लोगे ना यहां से भी सिलेक्शन हो सकता है तो यार ये सबसे कॉमन डाउट मैं आपको बताती हूँ जो आजकल बच्चों का आ रहा है कि क्या मैम नाइन्टी डेज में हो सकता है मैं ये नाइन्टी डेज का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लूँ इज इट पॉसिबल कि मैं क्रैक कर जाऊंगा देखो यार अगर तुम नहीं सो, अगर मैं ना बोल दूंगी तो क्या पढ़ना छोड़ दोगे क्या पेपर नहीं दोगे देखिए पॉसिबल है या नहीं है वो एक बात की बात है बट उसके चक्कर में हम पढ़ाई करना मेहनत करना नहीं छोड़ सकते हैं तो यार हम मेहनत करो अगर जिस जगह पे में मेहनत करी जाती है ना वो हर चीज पॉसिबल होती है हर चीज पॉसिबल होती है अगर पहले दो साल आपने अच्छे से मेहनत नहीं करी तो अब यार टाइम इज गोइंग टू बी टफ थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा तो आपको खुद से भी क्लास के अलावा भी खुद से भी कुछ उस चीज को रिवाइज करना पड़ेगा तो बिल्कुल पॉसिबल है आप कितना उसके लिए रेडी हो क्या आप सैक्रिफाइस करने के लिए आप पूरा दिन पढ़ाई करने के लिए सब कुछ छोड़ के पढ़ने के लिए रेडी हैं? तो डेफिनेटली बेटा आने वाले नब्बे दिन में भी हर चीज संभव है ठीक है जी यस क्योंकि ये मैं ऐसे नहीं कह रही कि मैम ने बोल दिया तो हो जाएगा ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूं हर बच्चा जो सीरियस होता है ना बेटा वो लास्ट के छह महीने ही होता है यूजुअली पहले ठीक है आप सिंसियर थे बट सीरियसनेस जो आती है सिंसियरिटी तो आप में शुरू से होनी चाहिए लेकिन जो सीरियसनेस आती है ना बेटा वो लास्ट के छः महीने पांच महीने में आती है और तीन महीने में तो यू नो बवाल हो जाता है आपकी सीरियसनेस का तो अगर आप सीरियस हैं और पहले सिंसियर रहे हैं तो बेटा इस साल कुछ ना कुछ तो जरूर हो सकता है और पॉजिटिव माइंड से पेपर देंगे तो ही होगा अभी से के जाओगे न, दिन में तो कुछ नहीं होता है अभी कोई फायदा नहीं है तो बेटा फिर पेपर मत देना ठीक है फिर मत देना फिर किसी को धोखा मत दो क्यों हजार रुपया भी वेस्ट करना क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करनी फिर आप अगले साल की तैयारी कीजिए ओके यस चलिए <laughs> चलो हां बहुत बढ़िया हनी भी कह रहे हैं हंड्रेड रुपीज का क्रैश कोर्स रखो बेटा हंड्रेड भी क्यों दोगे फ्री में पढ़ लो ना हंड्रेड भी क्यों दोगे हंड्रेड भी क्यों दोगे बेटा फ्री में तुम्हारा पूरा लिंक ट्री है तुम्हारे पास फ्री में पढ़िए ठीक है हंड्रेड भी ज्यादा लग रहा है बेटा मुझे फ्री में पढ़ फ्री में कर सकते हैं करने वाला बच्चा यार कर जाता है लेवल होना चाहिए बेटा स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए ठीक है स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए आप फ्री में पढ़िए आप हंड्रेड रुपीज भी मत दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए मैं कहूंगी ठीक है चलो आ जाइए यस yes, बेटा शुरू करते हैं एड्स आज हमने क्या पढ़ना है आज हमने पढ़ना है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम आई होप बेटा आपको इसकी फुल फॉर्म आती है आपको इसकी फुल फॉर्म आती है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम इसके नाम में ही है इसके नाम में क्या दिया हुआ है इम्यूनो यानी कि ये बीमारी किस सिस्टम की है ये बीमारी है हमारे इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी किसकी है ये देखो अक्वायर्ड अक्वायर्ड यानी कि जन्म के बाद होगा आपको आपको अपने पेरेंट्स से जीन्स में नहीं मिल रहा है दूसरी चीज बेटा इम्यूनो इम्यून सिस्टम की डेफिशियंसी की बीमारी क्या कहलाती है एड्स कहलाती है एड्स के नाम में यहां पर दिया हुआ है सिंड्रोम ये सिंड्रोम क्या होता है सिंड्रोम वर्ड बेटा तब यूज होता है व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कि ऐसी बीमारी हो जिसमें सिम्टम ना अलग अलग टाइप के आ रहे हैं और बहुत सारे आ रहे हैं कि मेरे गले में भी प्रॉब्लम हो रही है मेरी मसल्स में भी प्रॉब्लम हो रही है यानी कि जब बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ आ जाते हैं ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ग्रुप ऑफ सिम्टम मल्टीपल सिम्टम्स जब एक ही बीमारी में आ जाते हैं तो उस बीमारी को क्या बोला जाता है सिंड्रोम बोला जाता है जैसे ओवेरियन सिंड्रोम सुना है बेटा नाम नाम आपने सुना है पीसीओएस पीसीओएस ओवेरियन सिंड्रोम उसको भी सिंड्रोम क्यों बोला जाता है यार पीसीओएस में फीमेल को मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है मल्टीपल सिम्टम्स आते हैं कि यार फेस पे फेशियल हेयर आ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब हो रहा है वेट गेन भी हो रहा है ठीक है और डाइट में भी प्रॉब्लम आ रही है मल्टीपल सिम्टम्स आ रहे हैं तो जब ऐसी बीमारी हो जिसमें सिम्टम नए नए प्रकार के अलग अलग आए तो यार उस बीमारी को क्या बोला जाता है सिंड्रोम बोला जाता है तो एज में भी यार इम्यून सिस्टम आपका डेफिशिएंट है तो कुछ भी हो सकता है बैक्टीरिया वायरस आपके किसी भी सिस्टम पर अटैक कर सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पर डाइजेस्टिव सिस्टम पर नर्वस सिस्टम पर किसी पर भी अटैक किया जा सकता है इसी वजह से इसको क्या बोला जा रहा है सिंड्रोम बोला जा रहा है अब यार एड्स एक कैसी बीमारी है एड्स एक वायरल डिजीज है यानी कि इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस वायरस का क्या नाम है एच आई वी एच आई वी स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस यस क्या नाम है बेटा इसका ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस ये जो वायरस है ये एक रेट्रो वायरस क्लास में आता है किस टाइप का वायरस है ये रेट्रो वायरस है अब ये रेट्रो वर्ड क्या आया कि आई एम ए डिस्को डांसर रेट्रो टाइप के हैं कि पुराने जमाने को रेट्रो बोला है नहीं बेटा यहां पर ये जो वर्ड रेट्रो आया ना इसको ध्यान देना आर आर ई टी इनका मतलब है रिवर्स टी आर का मतलब है, मतलब है? मतलब है ट्रांसक्रिप्शन या फिर मैं लिख रही हूं ट्रांसक्रिप्टेज यानी कि ये ऐसा वायरस है जिसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम है जो कि आर को डीएनए में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है इसी वजह से इसको क्या बोला गया है रेट्रो बोला गया है ठीक है तो जितने भी रेट्रो वायरस होंगे उनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा और वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उनके आर को डीएनए में कन्वर्ट कर सकता है उल्टा जा सकता है ठीक है जी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं राइट ये एक तरीके का रेट्रो वायरस है अब अगर बेटा मैं बात करूं हिस्ट्री स्ट्रक्चर हम अगले पेज पे बताएंगे थोड़ा सा बेटा बात कर लेते हैं अबाउट हिस्ट्री ऑफ एड्स जो फर्स्ट केस था ना बेटा एड्स का द फर्स्ट केस इट केम इन यूएस अमेरिका में बेटा पहला केस आया था यूएसए में जून 1981 में

एच आई वी की डिस्कवरी इट वॉज डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर ल्यूक लियर ल्यूक मोन्टैग्नियर ठीक है इस प्रोफेसर ने वायरस को डिस्कवर किया था ठीक है जी ओके okay. दो तरीके का एच आई वी हो सकता है थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दू बेटा एच आई वी के बारे में एच आई वी कैन बी ऑफ टू टाइप सिंपल नाम है बेटा एच आई वी वन एच आई वी वन एच आई वी टू ठीक है जी ये जो वन है ज्यादा कॉमन है यूजुअली जो लोगों को होता है इट इज मोर कॉमन इट इज मोर कॉमन और ये बेटा थोड़ा सा रेयर है ये किस में मिलता है अफ्रीका में मिलता है जो टू वाला है वो अफ्रीका में मिलता है बाकी इंडिया में यूरोप में अमेरिका में कौन सा वाला वायरस मिलता है एच आई वी वन वाला मिलता है इंडिया की अगर बात करें तो पहला केस कब आया था चेन्नई में आया था नाइनटीन एटी सिक्स में तो वर्ल्ड में पहला केस आया था बेटा नाइनटीन एटी वन में अगर यही इंडिया की बात कर दूँ यही बेटा जी इंडिया की बात कर दूं तो फर्स्ट केस आया था First case came in 1986 First case came in 1986 इतना याद हो गया? क् सब बच्चे स्ट्रक्चर के लिए रेडी हैं? सब बच्चे स्ट्रक्चर के लिए रेडी है ये सारे पीडीएफ आपको मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगी टेलीग्राम इज द नेम सी पाहुजा बायोलॉजी एक लाख पच्चीस हजार से बच्चे ज्यादा हैं उसी वाले ग्रुप को ज्वाइन करिएगा बाकी अगर कोई भी मेरे नाम का ग्रुप दिखता है उसमें से एग्जिट मार लो उसमें से एग्जिट मार लो ठीक है ये वहीं पर आएगी ये वाली आपकी पीपीटी पीपीटी कह रही पीडीएफ ओके चलिए लेट लेटेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एच आई वी वैसे तो बेटा आपकी एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया हुआ बट फिर भी अपने को इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे तो एक्शन समझ आ जाएगा ठीक है स्ट्रक्चर देख लेंगे तो एक्शन समझ आ जाएगा ठीक है वायरस है वायरस की बॉडी में क्या होता है एक एनवेलोप होता है प्रोटीन होते हैं और जेनेटिक मटीरियल होता है अब यार ये जो इसका आउटर एनवेलप है यहां पर क्या प्रेजेंट है ग्लाइको प्रोटीन प्रेजेंट है इस जगह पर ये आउटर एनवेलप है इसको बोलेंगे एनवेलोप ऑफ वायरस इसको क्या बोलेंगे एनवेलॉप ऑफ वायरस मैं थोड़ा सा और इधर हो जाती हूँ बेटा और अच्छे से तुम्हें दिखाई देगा ठीक है इसको क्या बोलेंगे एनवेलॉप ऑफ वायरस एंड द एनवेलोप ऑफ वायरस कंसिस्ट ऑफ ग्लाइको प्रोटीन क्या होंगे ग्लाइको प्रोटीन्स तो यार ये ग्लाइको प्रोटीन है दिस इज अ ग्लाइकोप्रोटीन एंड दिस इज ऑल्सो अ ग्लाइकोप्रोटीन ऐसे सारे पे प्रेजेंट होंगे इनको नंबर के नाम से नाम दिया जाता है 41, 41, 120, 120, 41, 120। तो ये पूरा इसका बन रहा है, ठीक है जी ये इसका पूरा एनवेलोप बन रहा है ठीक है जी एनवेलोप बन रहा है सो दिस इज जीपी ग्लाइकोप्रोटीन को मैं क्या लिख रही हूँ जीपी ये जीपी कौन सा है 41. और ये जो गोल वाला जीपी है ये कौन सा जीपी है जीपी वन ट्वेंटी याद रखेंगे कैसे याद रहा कि ये फोर्टी वन है ये वन ट्वेंटी है देखो यार फोर्टी वन में फोर्टी वन में वन आता है तो यार ये वन है ट्रिक है याद करने की वन है वन ट्वेंटी में जीरो आता है तो ये जीरो है ये जीरो है, ये जीरो, है, ये जीरो है। जीपी वन ट्वेंटी जीपी फोर्टी वन जीपी वन ट्वेंटी जीपी फोर्टी वन ठीक है जी और बेटा ये जो येलो कलर की लेयर बनी हुई है ये किससे बनी हुई है जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूजुअली बनती है दैट इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ड बाई ये तीनों चीजें मिलकर क्या बना रही हैं एनवेलप बना रही है वायरस का ये तीनों चीजें मिलकर क्या बना रही हैं एनवेलप बना रही हैं ठीक है जी देन आ जाइए बेटा अंदर अंदर जो मामला है अंदर बेटा प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स है अंदर क्या है प्रोटीन का भरा हुआ मैट्रिक्स है तो यार एक मैं लेयर बनाऊंगी हरे रंग से ठीक है जी सो दिस इज अ प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स प्रोटीन 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 है, राइट right? प्रोटीन है दिस इज़ पी सेवेंटीन और ये क्या बना रहा है इसका मैट्रिक्स बना रहा है फिर बेटा इस मैट्रिक्स के अंदर एक कैप्सिड है जो इसके जिनोम को कवर रखता है ये क्या है कैप्सिड है। ये भी एक प्रोटीनेशियस कैप्सिड है पी ट्वेंटी फोर क्या बनाता है इसका कैप्सिड और इस कैप्सिड के अंदर अपना मेन माल मसाला है मेन माल मसाला क्या है यानी कि इसका जीनोम है और एचआईवी का जीनोम क्या होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और उसकी दो कॉपीज प्रेजेंट होती हैं ये क्या है बेटा जी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कितनी कॉपीज हैं टू कॉपीज बेटा यहां पर प्रेजेंट हैं याद रखना है कितनी दो कॉपीज वैसे तो डबल स्ट्रैंडेड नहीं बट सिंस इसके पास डिप्लॉयड आरएनए की हैप्लोइड आरएनए की बेटा दो कॉपीज प्रेजेंट है तो कई बार इसको डिप्लोइड वायरस भी बोल दिया जाता है क्या बोल दिया जाता है डिप्लोइड वायरस भी बोल दिया जाता है तो इट हैज टू कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डिप्लोइड वायरस देयरफॉर बेटा जी इट इज कॉल्ड एज डिप्लोइड वायरस याद रहा अब यार इस कैप्सिड के अंदर और भी चीजें हैं क्या हैं कुछ एंजाइम्स हैं जो इसको मल्टीप्लिकेशन में आगे जाके मदद करेंगे सबसे मेजर एंजाइम भैया सबसे मेजर एंजाइम कौन सा है सबसे मेजर एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराएगा दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिस क्या नाम दे देंगे इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिस ठीक है जी ये क्या कराएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराएगा और भी एंजाइम्स है बेटा इसके पास लाइक प्रोटीएज इंटीग्रेज ठीक है जब वायरस के प्रोटीन बन जाएंगे होस्ट सेल में तो उनको बेटा कैरी आउट करने में help करेगा, पैकेजिंग में help करेगा। में में और क्या है? Integrase. Another enzyme, जो integration में मदद करते हैं तो तीन तरीके के अपने पास एंजाइम है दीज आर बेटा इसमें से जितना याद हो वो करिएगा मेन चीज जो आपको याद रखनी है वो है इसका जिनोम का टाइप सिंगल स्टैंडर्ड आर सिंगल ए सिंगल ओके बनालिया सब ने बनालिया सब ने तो ये यार अपना यह है ये क्या है एच अब यार ये एच हम पर अटैक कैसे करता है हाउ डस एच अटैक चलिए एक्शन ऑफ मोड ऑफ एक्शन ऑफ एच मोड ऑफ एक्शन ऑफ एच ठीक है वायरस ने ह्यूमन सेल के अंदर एंट्री मारनी है अब मान लो यार वायरस तुम्हारी बॉडी में पहुंचा बहुत सारे है से पहुंच सकता है uh, से पहुंच सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहुंच सकता है हो हो सकता है प्लेसेंटा से से बच्चे में आया किसी भी तरीके वायरस तुम्हारी बॉडी में पहुंचा ये सबसे पहले किस सेल को अटैक करेगा क्या कोई अंदाजा लगा सकता है सबसे पहले किस सेल को अटैक करेगा ये कौन है यार बच्चा है ये कौन है बच्चा यस yes. सबसे पहले किस सेल को अटैक करेगा देख लो भाई जब तक मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं यस yes. किस सेल को अटैक करेगा बताओ वेरी गुड वेरी गुड दिग्विजय ने आंसर दे दिया है मोहम्मद इरफान ने भी दे दिया है रमेश बेटा गलत आंसर है लिवर वाले तो अल्टीमेट आंसर दे रहे हैं भैया ये मलेरिया नहीं है कि लिवर में जाना है इसको ये एच आई वी है इसको लिवर में नहीं जाना है जी, सबसे पहले बेटा ये जाकर अटैक करेंगे आपके मैक्रोफाज को किससे अटैक करेंगे किसको अटैक करेंगे मैक्रोफाज को ठीक है जी तो ये अपना क्या है मैक्रोफाज मैक्रोफाज देखिए मैक्रोफाज को ना फैक्ट्री ऑफ एचआईवी बोला जाता है ठीक है फैक्ट्री ऑफ एचआईवी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर वायरस मल्टीप्लाई करता है वायरस मल्टीप्लाई करता है तो यार इस वायरस के जो जीपी20 है ये देखो इसके बाहर क्या प्रेजेंट है जीपी20 तो मान लो ये अपना वायरस है इधर आया यस ये अपना वायरस है इसके बाहर क्या लगे हुए थे ये छोटे-छोटे जीपी20 -छोटे इन जीपी20 ने जीपी gp120 ने इंटरैक्ट किया विद द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द मैक्रोफेज ये जो रिसेप्टर प्रेजेंट है इनको बोला जाता है cd4 रिसेप्टर यहां पर जो मैक्रोफेज के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है वो कौन से रिसेप्टर्स हैं cd4 रिसेप्टर तो ये जो वायरस का gp20 इंटरैक्ट किया विद द cd4 रिसेप्टर ऑफ मैक्रोफेज और इसकी वजह से वायरस के क्या हो गई एंडोसाइटोसिस होगी वायरस अंदर घुस गया है ना वायरस अंदर घुस गया तो यार इसको बोलते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस ये क्या है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस कि अपने ने रिसेप्टर की मदद से इसकी अंदर एंट्री कराई ठीक है जी यस yes. तो चलो यार वायरस की अंदर एंट्री करा ली वायरस को ना मैं इस कलर से कर लेती हूं यस yes, ये अपना एच अंदर एंट्री ले चुका है दिलवा दी दिलवा दे बेटा अंदर एंट्री एक बारी मैं ना फोटो यहाँ से भी आपको दिखा दू एचआईवी की यस यहां पर भी देखिए हाँ जी तो वायरस बेटा अंदर एंट्री ले चुका है ये कैसा है

हमारे मैक्रोफाज के अंदर इसका आर घुस चुका है इस आर ने अल्टीमेटली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बना लिया डीएनए बना लिया क्या बना लिया बेटा जी डीएनए बना लिया अब यार ये डीएनए इंटीग्रेस की मदद से होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर जिनोम में इंट्रोड्यूस हो जाएगा ठीक है इस डीएनए ने मैक्रोफाज के न्यूक्लियस के अंदर अपने आप को इंटीग्रेट कर लिया अब न्यू वायरल प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल भैया जब वायरस ने अपना आरएनए अपना डीएनए ह्यूमन डीएनए के साथ डाल दिया तो यार जब ह्यूमन डीएनए रेप्लीकेट करेगा तो साथ साथ वायरस का डीएनए भी रेप्लीकेट करने लगेगा बेटा अपने पास एच का क्या आ गया आर आ गया इस एच के आर ने अल्टीमेटली क्या बना लिया डीएनए बना लिया ये जो डीएनए है ये मैक्रोफाज के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो गया तो यार जब मैक्रोफाज का डीएनए आगे आरएनए बनाएगा तो यार अपने पास अब क्या बन गए हैं वायरल आरएनए बहुत सारे बन गए हैं ये जो वायरल आरएनए इनके अराउंड प्रोटीन आके जम जाएंगे ये देख लीजिए और मेरे पास क्या बन गए ये बेबी एच तैयार हो गए यानी कि मैक्रोफाज के अंदर इनकी फैक्ट्री लग चुकी है एक मैक्रोफाज बहुत सारे एच बनाने शुरू कर दे रहा कर दे रहा है ठीक है जी यस तो प्रोजनी बनती जा रही है और ये बेटा यहां से से निकलती जा रही है नहीं बेटा ये मैक्रोफाज मरेगा नहीं मैक्रोफाज तब भी जिंदा रहेगा फैक्ट्री चल रही है तभी तो दिक्कत है यार के केस में कि यहां पर मैक्रोफाज इज नॉट गेटिंग डिस्ट्रॉयड बाय दिस फंक्शन ठीक है तो मैक्रोफाज विल नॉट डाई विल नॉट डाई ये कंटिन्यू रहेगा इस मैक्रोफाज के अंदर और एच आते रहेंगे और ये फैक्ट्री की तरह प्रोजनी वायरस बनाते जाएंगे बट इससे अभी बॉडी पर इम्पैक्ट नहीं आया है इसके बाद ये जो बेबी एच बन गए हैं बॉडी में इतने सारी फैक्ट्री ने बहुत सारे एच बना दिए हैं ये जाकर अब असली सेल को टारगेट करेंगे और इनका असली सेल कौन सा है असली सेल है टी हेल्पर सेल ठीक है मैक्रोफाज ने तो इनका नंबर बढ़ा दिया और मैक्रोफाइज खुद भी नहीं मरा ठीक है मैक्रोफाज खुद भी नहीं मरा अब बेटा इन्होंने जाके अटैक किया किसको टी हेल्पर अब टी हेल्पर को बेटा जब अटैक होता है ना तब टी हेल्पर मल जाते हैं, तब टी नहीं रहते हैं. तो साइमल्टेनियसली दीज गोइंग टू अटैक टी हेल्पर सेल एंड देयर नंबर इज रिड्यूस्ड देयर नंबर इज गेटिंग रिड्यूस्ड तो इसी वजह से ये जो बीमारी है ये इम्यून सिस्टम की है क्यों क्योंकि यहां पर जो टारगेट सेल है वो टी हेल्पर सेल है और टी हेल्पर सेल सेल तुम जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इम्यून सिस्टम का वो बी की मदद भी करता था एंटीबॉडी बनाने में वो टी सी की मदद भी करता था किसी भी पैथोजन को किल करने में मतलब इस केस में तुमको कैसा इंफेक्शन होगा इस केस में तुमको अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन होगा अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन होगा अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब है कि जब मेरा टी हेल्पर सेल की वैल्यू डिक्रीज हो गई इनफैक्ट इतनी डिक्रीज हो गई लेस देन 200 200 टू मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड जब इस लेवल पे बेटा जी टी हेल्पर सेल डिक्रीज हो जाएंगे तो यार फिर तो अपॉर्चुनिस्टिक है कोई भी आके तुम्हें अटैक कर सकता है इट कुड बी अ बैक्टीरिया इट कुड बी अ वायरस क्योंकि इम्यून सिस्टम में वीक हो गया ना कुछ भी अटैक कर सकता है तुम्हारी डेथ किसी भी वजह से भी हो सकती है ठीक यस yes. 200 पर मिलीमीटर क्यूब से भी अगर कम हो जाएंगे तो यार आपका जो इंफेक्शन है वो बहुत बड़ा हुआ माना जाएगा माना जाएगा इज दिस क्लियर देखिए उसमें आपकी डेथ कपोसिस सार्कोमा यानी कि कैंसर से भी हो सकती है निमोनिया से भी हो सकती है आदमी को टीबी भी हो सकता है आदमी को गेहो वायरस का इन्फेक्शन भी हो सकता है टॉक्सोप्लाजमोसिस भी हो सकती है बहुत सारी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं ठीक है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इसमें रहेगा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इसमें रहेगा ठीक है जी बात समझ आ गई क्लियर है क्लियर है बता दो तो एक बार फटाफट से हाँ जी बेटा बताइए बताइए हम्म 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 मुझे फटाफट फ़ड़ से सेशन को लाइक करके बताओ ऐसे मत बताओ सेशन को लाइक करके बताइए इतना पता चला या नहीं पता चला नहीं बेटा इस केस में एंटीवायरल प्रोटीन रिलीज नहीं करते हैं। और अगर करते भी हैं जो संख्या है एच आई वी की वो इतनी ज्यादा है कि द दे दे आर आर नॉट नॉट दीपीजियंट देट इम्यूनिटी के पास बेटा इतनी क्षमता इतनी इफेक्टिविटी इतनी पावर नहीं है कि वो एच आईवी फुल ब्लोन एड्स के इन्फेक्शन से दूर रह पाए फुल ब्लोन एड्स के इन्फेक्शन से दूर रह पाए ठीक है जी अब बात करते हैं बेटा इसकी ट्रांसमिशन की ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है ये छोटी क्लासेस में भी आता है कि एड्स फैलता कैसे है येस टॉकिंग अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ एड्स देखिए अगर ट्रांसमिशन की बात करें सबसे पहले तो इट्स एन एस ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो अगर आप किसी अननोन इफेक्टिव इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट करते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कॉन्टैक्ट करते हैं तो यार एड्स फैल सकता है या फिर ये ब्लड कंटेमिनेशन से भी फैल सकता है ठीक है ब्लड कंटेमिनेशन आपने किसी को खून चढ़ाया और आपने चेक तक नहीं किया कि कि जो डोनर था 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 उसके अंदर था, या फिर नहीं बेटा नीडल नीडल से भी फैल सकता है है का मतलब है कि जैसे मैं टैटू बनवाने गई नहीं मैं अपना एग्जाम्पल तो नहीं लेंगे ए टैटू बनवाने गया ठीक है ए को एड्स था तो टैटू वाले ने सुई से टैटू बनता ना सुई से ही बनता तुमको पता है ठीक है सुई से टैटू बनाया और इसी सुई को यूज कर लिया बी बंदे पे बी बंदे पे अब यार ये जो टैटू की सुई है वो ब्लड को टच करती है कि नहीं करती है थोड़ा सा खून भी निकलता है यानी कि कि इस सुई के ऊपर भी वी आ चुका हो क्योंकि ब्लड का कांटेक्ट रहा है और अगर आप यही नीडल बिना स्टेलाइज करे नई नीडल नहीं यूज करते हैं बी पे तो यार बी को भी एच हो सकता है ऐसा ही इन्फेक्शन बेटर रेजर के साथ भी हो सकता है कि एक आदमी शेव बना रहा है पब्लिक प्लेस पे ठीक है उसके यहाँ कट आया उसको एच वी था उसको एड्स था तो कट आया वो रेजर उसको टच किया उसके कट वाली जगह को टच किया यानी कि रेजर के ऊपर ब्लड टच कर चुका है उस पर एचआई वी हो सकता है अब दूसरे बंदे ने तुम थोड़े से वो देखो यार सिचुएशन देखो दूसरा बंदा वही रेजर यूज कर रहा है और उसके भी कट आ गया उसके भी कट आ गया तो यार उसका ब्लड अब इसके ब्लड के कांटेक्ट में आ सकता है थोड़ा सा

अगर किसी प्रेग्नेंट मदर को है तो प्लेसेंटा के थ्रू वो बच्चे में भी जा सकता है इस ट्रांसमिशन को बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन इसको क्या बोलते हैं बेटा जी वर्टिकल ट्रांसमिशन वर्टिकल ट्रांसमिशन ओके जी इस ट्रांसमिशन को बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन ओके राइट चलिए सो so ये बात हो गई आपके ट्रांसमिशन ऑफ एड्स की अब यार एड्स के बीच में ना थोड़ा सा लैग टाइम हो सकता है मान लो किसी के अंदर एच गया उसको हो सकता है कुछ सालों तक सिम्टम ही ना आए यानी कि जो एच है वो बॉडी में ट्रांसफर होने के लिए ग्रो करने के लिए इट कैन टेक सम टाइम इट कैन टेक सम टाइम जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड या लैग टाइम बोलते हैं बेटा वो फ्यू मंथ्स से लेकर कुछ सालों तक भी हो सकता है फ्यू टू फाइव टू टेन इयर्स दस साल तक दस साल तक हो सकता है आदमी को पता ही ना चले कि यार उसको एड्स था दस साल बाद हो सकता है एच अपना रंग दिखाना शुरू करे यस अच्छा फिर आती है कि यार चलो इंफेक्शन इनसे तो हो जाता है क्या इंफेक्शन एड्स वाले बंदे से हाथ मिलाने पर भी होता है बताओ क्या अगर मैं शेक हैंड करूं एड्स इन्फेक्टेड पर्सन से क्या मुझे इन्फेक्शन हो सकता है क्या मुझे इन्फेक्शन हो सकता है बताओ यस <laughs> ये कौन है मोहम्मद इरफान बेटा अगर मोटिवेशन से नीट क्रैक होता ना तो मैं बस यहाँ पर संदीप महेश्वरी बन जाती और रोज आके मोटिवेशन देती ठीक है उससे नीट क्रैक नहीं होता नीट क्रैक किससे होता है पढ़ाई करने से बेटा सम मोटिवेशन सम मोटिवेशन सम मोटिवेशन बेटा यू आर नॉट स्टार्टिंग एंड इफ यू विल सर्च फॉर मोटिवेशन एवरी डे बेटा जाओ डालो यूट्यूब पे मोटिवेशनल वही देखते रहना पूरा दिन उसी से वही पेपर में आएगा कि कैसे मोटिवेट करते हैं बेटा आपको वैल्यू देनी चाहिए उस चीज को जो पेपर में आती है पेपर में मोटिवेशन नहीं आती है पेपर में बेटा पढ़ाई आती है और मोटिवेशन हर दिन काम नहीं करता हर दिन अगर कोई चीज चाहते हो तो डिसिप्लिन होना चाहिए पढ़ाई का डिसिप्लिन होना चाहिए मन मन करे करे ना करे। ये नहीं कि अपना मन करवाने के लिए मोटिवेटिंग वीडियो देखेंगे नहीं बेटा मन करवाने के लिए आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग फाइट करेंगे हम लोग पढ़ने आएंगे जस्ट शो अप इन द क्लास क्लास में आइए तो सर यार आओगे तो कुछ सीखोगे ठीक है तो ये सब लिखना छोड़ दो मोहम्मद इरफान ठीक है मोटिवेशन नहीं डिसिप्लिन के पीछे भागो और तुम्हारा बेसिक ही गलत है तुम लोगों के बेसिक ही गलत है कि तुमको लगता है कि हाँ मोटिवेशन के लिए आएंगे टीचर यहाँ पर और मेरा नीट क्रैक हो जाएगा बेटा बिना पढ़े ना किसी का नीट क्रैक नहीं होता कितना मोटिवेशन से भर लो आपको क्या स्पीकर बनना है आगे जाके डॉक्टर बनना है बेटा डॉक्टर बनना है जो यार जो बातें करते हैं ना मोटिवेशन की वो फिर इतनी नीट क्रैक नहीं कर पाते महीने बाद दस दिन बाद थोड़ा सा डाउन हो वो समझ आती है डेली बेटा यही सब करवाना है तो वो चीज समझ नहीं आती बेटा मैं तो उसके लिए नहीं बनी हूं आई एम नॉट द राइट पर्सन ठीक है <laughs> कह रहे मैम हो गया बस हो गया मोटिवेट यही चाहिए था उसको यही चाहिए था उसको चलिए ओके okay, तो मैंने क्या पूछा था हाँ मैंने पूछा था हाथ मिलाने से क्या एड्स होता है नहीं होता है एड्स जो होता है ना बेटा बॉडी फ्लूड्स के टच में आने से होता है एड्स हैपन ओनली थ्रू बॉडी जैसे कि स्पॉम यानी कि सीमेन ब्लड सिलाईवा इन सबसे एड्स हो सकता है अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं शेक हैंड करते हैं तो एड्स नहीं हो सकता किसी के गले लगते हैं तो एड्स नहीं हो सकता है ठीक है जी एड्स नहीं हो सकता है और बेटा इसमें जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की बात की गई है माइकोबैक्टीरियम वायरसेस पैरासाइट्स टॉक्सोप्लाज्मा किसी का भी इंफेक्शन एड्स में हो सकता है ठीक है जी चलो तो ये बात होगी ट्रांसमिशन की अब इससे बचा कैसे जाए यस yes. किसको सबसे ज्यादा रिस्क है देखिए अगर देखा जाए हाई रिस्क वाले लोग वो हैं जिनके सेक्सुअल पार्टनर्स बहुत सारे हैं मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर अब यार इतने सेक्सुअल पार्टनर रखोगे तो आपको उस पार्टनर की हिस्ट्री तो पता नहीं होगी है ना कि उसको कुछ है या नहीं या उसके आगे कितने सेक्सुअल पार्टनर्स हैं देखो ये तो पूरी चेन बन जाएगी एक्सपोनेंशियल चेन बन जाएगी आप गेस्ट नहीं करोगे कि आपको वायरस किससे मिल पाएगा ठीक है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर जैसा कि मैंने बताया ड्रग एडिक्ट जो कि सिंगल नीडल से यू नो यूज करते हैं देन बेटा ऐसे लोग जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होता है जिनको थैलेसीमिया होता है बेटा है ना जिनको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होते हैं ऐसा बच्चा द चाइल्ड ऑफ एच आई वी मदर उसको बेटा

इसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाएगा एंड द कंफर्मेटरी ठीक है कंफर्म करने के लिए एक और टेस्ट करेंगे भैया इतनी बड़ी बीमारी है ऐसे थोड़ा तो पेशेंट को बोल देंगे तुम पॉजिटिव हो एक टेस्ट में पॉजिटिव आया बट अगेन दे विल कंफर्म इट बाय वेस्टर्न ब्लॉटिंग ठीक है जी चलो मान लो पता चल गया कि भैया इसको एड्स है तो कैसे ट्रीट किया जाता है वैसे तो बेटा एड्स को देखा जाए तो अभी भी ये बीमारी ऐसी है जिसका कोई क्योर नहीं है इट इज इनक्योरेबल डिजीज बट हां कुछ ऐसी थेरेपीज हैं जिन थेरेपीज से हम उसकी बची हुई जिंदगी को थोड़ा आसान बना सकते हैं और लाइफ को थोड़ा लंबा कर सकते हैं ट्रीटमेंट में आते हैं बेटा एंटी वायरल ड्रग्स क्या आते हैं एंटीवायरल ड्रग्स आते हैं ये बेटा बचा तो नहीं सकते आदमी को ये सिर्फ उसकी लाइफ को थोड़ा लंबा कर सकते हैं और आसान कर सकते हैं लाइफ को प्रोलोंग किया जा सकता है इसको टाला नहीं जा सकता इट इज इनएविटेबल दैट दैट पर्सन इज गोइंग टू डाई उसकी डेथ हो जानी है ये एक इनक्योरेबल बीमारी है हाँ बेटा डायग्नोस्टिक टेस्ट में 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 पीसीआर 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 भी 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 है Absolutely, PCR भी है एब्सोल्युटली इनफैक्ट तो आप पीरियड चेक कर सकते हो कि आपको अंदर HIV है या फिर नहीं है अब यार ट्रीटमेंट तो मैंने देख लिया कि भैया इसका कुछ अच्छा ट्रीटमेंट है नहीं अभी हमारे पास बना नहीं है काम चल रहा है इस पे तो क्या किया जाए तो यार अपने कोई बीमारी को होने ही नहीं देना है हमको किस पे फोकस करना है प्रिवेंशन पे फोकस करना है अगर मैं प्रिवेंशन पे फोकस करूंगी तो यार एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में काम करती है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट में बोला जाता है नैको और इस नैको का जो सिंबल है वो ऐसा यू नो रेड रिबन टाइप का सिंबल है तो यार नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का काम है अवेयर करना जगह जगह प्रिंट मीडिया में न्यूज में रेडियो पे न्यूज़पेपर में इस चीज को बताना लोगों को कि आपको क्या क्या करना चाहिए आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए आपको इन्फेक्टेड नीडल्स स्टिराइल नीडल्स ही यूज करनी चाहिए और आपको एक हेल्दी हाइजेनिक सेक्सुअल हैबिट्स को अडॉप्ट करना चाहिए तो यार एक तो यार ये है और साथ में क्या है और साथ में बेटा एन है एनजीओस है बहुत, जो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं डब्ल्यू एच ओ ने भी बेटा बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं जिससे अवेयर किया जाता है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है बेटा इंडिया में दैट इज एन ए आर आई नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ठीक है पुणे में है ये कहा है पुणे में है जो इस पे रिसर्च कर रहा है इसके लिए बेटा हम स्पेशली एक दिन भी मनाते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड एड्स डे वर्ल्ड एड्स डे एंड दैट इज ऑन फर्स्ट ऑफ डिसम्बर कब होता है वर्ल्ड एड्स डे फर्स्ट ऑफ डिसम्बर तो यार मनाने का पर्पज ये है ताकि लोगों को और जागरूकता आए बाकी ड्रग एडिक्शन को रोकिए साथ ही में जो नीडल्स हैं उनको स्टेराइल फॉर्म में ही यूज कीजिए डिस्पोजेबल नीडल्स हर जगह यूज होनी चाहिए याद रखना वर्ल्ड एड्स डे कब होता है

यस yes, अरे वाह यार इसकी इमोजी भी है ये ऐसे नो रिबन की वेरी गुड मुझे नहीं पता था इस इमोजी को कैसे सर्च करते हो क्या नाम लिख के सर्च करते हो बेटा अच्छा एक बात बताओ यार पांच बजे अपनी क्लास है ह्यूमन हेल्थ की क्या सबने उस क्लास में एनरोल कर लिया है क्या सबने उस क्लास में एनरोल कर लिया है नहीं किया तो यार कर लो फटाफट से ठीक है ह्यूमन हेल्थ की क्लास है आई एम नॉट श्योर मैं पांच बजे ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी अगर पांच बजे नहीं हुई तो कल सुबह होगी दस बजे दस या ग्यारह बजे ठीक है बट एनरोल कर लो एनरोल कर लो ठीक है मैं बता दूंगी टेलीग्राम पे आई विल टेल यू ये क्लास कब होगी क्योंकि यार पांच बजे अगर मैं रख दूंगी तो तुम पढ़ोगे कब आई वॉन्ट कि तुम यार इसको अटेम्प्ट करो इसको पढ़ के अटेम्प्ट करो एनरोल कर लो अच्छा किस नाम से सर हार्ट के नाम से ये हार्ट है ये कैसा हार्ट है यार टेढ़ा सा <laughs> ओके okay, ओके okay. एक बच्चा पूछ रहा है इज दिस कंटेंट इनफ फॉर नीट इज दिस कंटेंट इनफ फॉर नीट बेटा एनसीआरटी इज इनफ फॉर नीट मैं जो आपको लिखवा रही हूं उसमें एनसीआर तो है ही है सारे पी क्यूज भी हैं दिस इज मोर देन इनफ फॉर नीट आपने इतना भी कर लिया तो 340 से ऊपर तो नंबर कहीं नहीं गए बट बात ये है ना बच्चा बच्चा भागता है बड़ी बड़ी किताब के पीछे बच्चा भागता है मॉड्यूल के पीछे कि भैया स्काई मॉड्यूल दे दो मेरे को ये मॉड्यूल दे दो बेटा सब कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है आप अभी इस स्थिति में बैठे हैं कि मेन मेन भी करके जाएंगे तो भी हो जाएगा और सारी एनसीईआरटी मेरे लेक्चर्स में कवर्ड है मैं ज्यादा डिटेल इतना ज्यादा नहीं करा रही हूं देखो अब मैंने भी मुझे जितना लगा मैं उतना आपको करा देती हूँ जैसे ये एनसीईआरटी में नहीं है बट फिर भी हमने किया आपको मॉड्यूल तो मिल जाएगा ठीक है कोई भी मॉड्यूल उठा लो तो जितना जरूरी है वो इसमें है देखो जो आएगा वो हम करेंगे जो नहीं आएगा उसको छुएंगे भी नहीं उसको छुएंगे भी नहीं और अगर एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीआरटी आ भी गए जो आपने नहीं करे हुए तो दो क्वेश्चन के पीछे भागोगे क्या नब्बे में से दो ही क्वेश्चन आएंगे बेटा जो ऐसे होंगे उसके अलावा कोई नहीं आएगा तो रन फॉर मेजोरिटी रन फॉर एटी एट क्वेश्चन नॉट फॉर दो क्वेश्चन ठीक है उसके पीछे पता कौन भागते हैं वो भी अच्छा है आपको करना चाहिए मैं ये नहीं करी अच्छी बुक्स नहीं बहुत बढ़िया बुक्स हैं बहुत बढ़िया बेटा मैंने पांच साल उस बुस से पढ़ा है बहुत अमेजिंग बुक्स है बट वो उनके लिए है बेटा जो दो साल मेहनत करते हैं उनके लिए नहीं है जिनको जाग जागे लास्ट के चार महीने में आ रही है चार महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है तो यार आपको क्रिस्प कंटेंट चाहिए एंड फास्ट ट्रैक रिवीजन में आपको बिल्कुल टू द पॉइंट क्रिस्प कंटेंट मिलता है अगर आपको पढ़ना है बहुत डिटेल में तो भैया मेरा लिंक्री है अरे वाह आ गया लिंकट्री का नाम लिए लिंकट्री आ गए ये बेटा सिपाजा लिंक्री पे जाना इसमें जो इलेवंथ वाला पोर्शन है इसको मैं डिलीट कर देते 12th वाला सॉरी ये ट्वेल्थ वाले पे जाइएगा ठीक है इसमें आपको और डिटेल मिल जाएगा आपको लगता है आपके पास समय है अभी उतना करने का तो आप कर सकते हैं मुझे जो लगता है जो मैंने बच्चों से पोल कराया है इस समय बेटा आपकी हालत इतनी अच्छी नहीं चल रही है ठीक है इतनी अच्छी नहीं चल रही है तो यार जब इतनी अच्छी हमारी हालत नहीं होती ना तो हमें ऐसे बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए राइट क्रैश कोर्स में एनरोल करने का बेटा आज है लास्ट टुडे इज द लास्ट डे आज लास्ट है बेटा ठीक है राइट right. चलो जी शुरू करते हैं कैंसर कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है यार एंड इट हैज़ यू नो बहुत डेडली बीमारी भी है बिना किसी रीजन की वजह से आजकल हो रहा है और ये ठीक नहीं हो रहा है कैंसर यस कैंसर बेटा कैंसर क्या होता है जिसमें आपके सेल्स एबनॉर्मली डिवाइड करना शुरू कर देते हैं रुक नहीं पाते हैं उनका सेल डिवीजन कंट्रोल नहीं होता है तो बहुत ज्यादा डिवीजन होता है और सेल्स का नंबर बॉडी में बढ़ जाता है अगर वो नंबर एक जगह पर लोकलाइज्ड है तो एक मास सा बन जाएगा लोथड़ा बन जाएगा सेल्स का उसको बोलते हैं ट्यूमर क्या बोलते हैं ट्यूमर हो सकता है ट्यूमर एक जगह पर बॉडी में हो या फिर ट्यूमर फैला हो फैला हो अगर तो यार ट्यूमर एक जगह बॉडी में है उसको बोलते हैं हम बिनाइन ट्यूमर उसको निकालना फिर भी एक डॉक्टर के लिए आसान होता है क्योंकि बेटा वो जो बिनाइन ट्यूमर है वो एक जगह आप सर्जरी करके अगर रीचेबल है अप्रोचेबल है वो जगह तो आप निकाल सकते हो लेकिन जिस ट्यूमर में वो ट्यूमर फैल चुका है मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करना इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंच चुका है दैट इज कॉल्ड एज मेलेग्नेट ट्यूमर जो मेटास्टाइज कर चुका है उसको ठीक करना करन, हो जाता है थोड़ा मुश्किल एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉर्ड्स एंड लॉर्ड ऑफ डेथ पर ईयर ठीक है पूरे विश्व में बहुत प्रॉब्लम बेटा बहुत लोगों की जाने गई हैं बिकॉज ऑफ दिस कैंसर तो कैंसर में हो क्या रहा है एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ

Osionfish. इस ट्यूमर को बेटा और क्या बोला जाता है नियो प्लाजम बोला जाता है ठीक है जी तो ये जो मास ऑफ सेल है इसको बोला जाता है अपना ट्यूमर ठीक है अब वैसे तो क्या होता है अगर मैं जनरल केस में देखूं कि मान लो किसी को कैंसर नहीं है तो यार ये सेल है ये सेल है, है। हेल्दी सेल्स है ये सब क्या है, है। ये हेल्दी सेल्स बेटा आगे ऐसे डिवाइड करते ठीक है डिवाइड करते हैं नॉर्मल सेल है. में क्या होता है कि मान लो अगर ये वाला सेल डिवाइड करना रुकता है ये वाला सेल मान लीजिए मैं ये ब्लू वाला सेल ये वाला सेल अगर रुकेगा इनहिबिट या फिर ये सेल डिवीजन को रोकेगा अपने अंदर सेल डिवीजन को रोकेगा तो यार इसके कांटेक्ट में जितने सेल है वो भी रुक जाएंगे यानी कि नॉर्मल सेल के पास एक प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन क्या बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन यानी कि कांटेक्ट में आने से दूसरा सेल का डिवीजन भी क्या होता है रुक जाता है बट यार जिन सेल्स में कैंसर आ चुका है जिन सेल्स को क्या हो चुका है कैंसर यानी कि जो सेल हो चुके हैं कैंसर सेल उसमें देयर इज नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन उसमें बेटा सात वाला सेल अगर रुक भी जा रहा है तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा वो डिवाइड होता जा रहा है होता जा रहा है तो नॉर्मल सेल के अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब टच करने से सेल के आपस में टच करने से इनहिबिशन होती है रुकते हैं सेल एक दूसरे को देखकर बट यहां पर एक दूसरे को देखकर सेल नहीं रुकते हैं नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ कैंसरस सेल्स ठीक है प्रेजेंट इन केस ऑफ कैंसरस सेल अब यार ये जो ट्यूमर है ये दो तरीके का हो सकता है ट्यूमर है बेटा जी ये दो तरीके का हो सकता है या तो या ट्यूमर क्या होगा बिनाइन ट्यूमर या फिर क्या होगा मैलिग्नेंट ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर या फिर क्या होगा मैलिग्नेंट ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर का मतलब है कि वो एक ही जगह पर है मान लो इसोफेगस का कैंसर है तो वो इसोफेगस में ही है स्टमक का कैंसर है तो स्टमक में ही है ब्रेस्ट का कैंसर है तो ब्रेस्ट में ही है ठीक है जी वो फैला नहीं है यानी कि इट इज दैट कैंसर विच इज लोकलाइज्ड एट वन प्लेस ओनली वो अभी फैला नहीं है इट डू नॉट स्प्रेड इट डू नॉट स्प्रेड ठीक है ये फैलता नहीं है जबकि मैलिग्नेंट क्या है मैलिग्नेंट है कि फॉर एग्जाम्पल में मेरी कैंसर शुरू हुआ था वो कैंसर में घुसे और ब्लड बेटा उनको अलग अलग जगह पे लेकर गया और उन्होंने अब अपना घर अलग अलग ऑर्गन में बना लिया है यानी कि यहां पर क्या हो रहा है प्रोलिफिलेटिंग सेल्स है प्रोलीफिलेटिंग सेल्स ग्रो रैपिडली फटाफट से ग्रो करेंगे और दूसरे ऑर्गन को इन्वेड करेंगे एंड इनवेड अदर ऑर्गन्स यानी कि ऐसा कैंसर जो मल्टीपल ऑर्गन्स में फैल चुका है एंड द प्रॉपर्टी बाय विच दे इन्वेड कि जिससे वो फैलते हैं उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेटास्टासिस क्या बोला जाता है मेटास्टासिस दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेटास्टास रुको ठीक है तो जो कैंसर मेटास्टाइज कर गया है फैल चुका है ब्लड की मदद से मल्टीपल ऑर्गन में भैया वो ज्यादा खतरनाक होगा मानते हो, हो कि नहीं मानते हो कौन सा ज्यादा खतरनाक है, This benign tumor causes little damage. इससे नहीं है क्योंकि डॉक्टर्स के लिए उसको टारगेट करना आसान है कि थेरेपी भी करनी है या सर्जरी भी करनी है तो जो एक जगह पर है उसको टारगेट करना आसान होता है सर्जरी करनी भी आसान होती है और रेडिएशन थेरेपी कीमोथेरेपी देनी भी आसान होती है जबकि ये बेटा एक इसमें क्या होता है यार जगह जगह पर आपके कैंसर सेल पहुंच चुके हैं और वो नॉर्मल सेल को ना भूखा कर देते हैं नॉर्मल सेल का सारा न्यूट्रिशन खा जाएंगे तो यार हर जगह के नॉर्मल सेल स्टाव डेथ अगर नॉर्मल सेल मरने लगेंगे बॉडी को चलाएगा कौन यार बॉडी को चलाएगा कौन ठीक है ये बेटा बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है मोर डैमेज ठीक है मोर डैमेज यस यस तो यार ये जो बिनाइन ट्यूमर है इसमें सेल फैले कैसे थे सेल फैले थे विद द हेल्प ऑफ ब्लड वाया ब्लड और इस प्रॉपर्टी को मैंने क्या बोला है Metastasis बोला है ठीक है बोला है अब चलते हैं बेटा कैंसर होता क्यों है आर द एजेंट्स फॉर कॉजिंग कैंसर कैंसर पे तो बेटा एक प्रॉपर ब्रांच है स्पेशली डॉक्टर इसके अलग होते है. जैसे हार्ट के डॉक्टर अलग है कार्डियोलॉजिस्ट ब्रेन के डॉक्टर अलग है न्यूरोलॉजिस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलग है गाइनिकोलोजिस्ट वैसे बेटा कैंसर के डॉक्टर अलग होते हैं क्योंकि दैट इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ स्टडी उस ब्रांच ऑफ स्टडी को अपने लोग बोलते हैं ऑन्कोलॉजी क्या बोलते हैं बेटा उस ब्रांच ऑफ स्टडी को ऑन्कोलॉजी ठीक है ऑन्कोलॉजी तो यार जो कैंसर वाला डॉक्टर बनेगा वो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा ऑन्कोलॉजिस्ट ठीक है क्या है वो क्या कहलाएगा बेटा वो क्या कहलाएगा ऑन्कोलॉजिस्ट ठीक है यस yes. चलो बेटा आपका काम आपका टाइम खत्म हो गया बेटा स्टडी ऑफ क्या था एक्सको आपका काम बेटा खत्म हो गया अब आप कभी इस चैनल पे कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे ठीक है जी नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत है बेटा एक गंदी मछली कई बार तालाब में आ जाती है बट अगर बड़ी अच्छी मछलियों का डोमिनेंस हो ना तो गंदी मछली कुछ नहीं कर सकती है उसको बेटा खा जाएंगे अच्छी मछलियां तो तुम्हें ये लोग खा जाएंगे जिंदगी में कुछ करोगे नहीं करोगे कि पर्दे के पीछे बैठ कर ये गंदी टाइप की चीजें लिखेंगे आप हाँ लाइफ में बेटा आपका कुछ नहीं हो सकता आपका कुछ नहीं हो सकता ये आप लिख के ले लीजिए यू विल नेवर बिकम समथिंग गुड यू बिकॉज यू डू नॉट नो वॉट टू स्पीक एंड वेयर टू स्पीक एंड टू द वे यू शुड स्पीक ठीक है बेटा कोई बात नहीं राइट right? हाँ क्या बोलते हैं बेटा उन डॉक्टर्स को उन डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं ऑंकोलॉजिस्ट तो यार कौन ऑंकोलॉजिस्ट बनना चाहता है क्या मेरी क्लास में कोई ऑंकोलॉजिस्ट है ये सारे कार्डियोलॉजिस्ट ही हैं मैंने देखा यार कार्डियोलॉजी पे बड़ा रश रहता है यस yes. कार्डियोलॉजी से बहुत रश रहता है कोई है क्या यस yes. जी है कोई ये यार ये पहले सोच लिया क्वेश्चन करने, करने के लिए नीट क्रैक करना पड़ता है नीट क्रैक करने के लिए आज पढ़ना पड़ेगा कल पढ़ना पड़ेगा पूरे अगले चार महीने सात मई तक पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो ये ट्रिक क्वेश्चन था अभी से मत सोचो ब्रांच ब्रांच क्या चाहिए अभी सिर्फ इतना सोचो सिलेबस कैसे करना है बस अभी सिर्फ इतना सोचो कि जो मेरे चैप्टर बचे हैं वो कहां से पूरे करने हैं अभी सिर्फ सिर्फ इतना सोचो प्रैक्टिस कहां से करनी है मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाने हैं ठीक है, है? ट्रिक क्वेश्चन था और इससे तुम ट्रिक हो गए हो ठीक है गलत चीज गलत टाइम पे नहीं सोचने दूंगी मैं ओके तो कॉजेज ऑफ कैंसर की बेटा अगर बात करें कैंसर के बेटा जी कॉजेज की बात करें तो कैंसर के कॉजेज में आपका क्या आता है कार्सिनोजेंस यस yes. कैंसर कॉजिंग एजेंट को क्या बोलते हैं कार्सिनोजन जैसे म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट को क्या बोलेंगे Mutagen. ठीक है, या, है. है. यानी कि कोई वायरस भी एक कैंसर कॉजिंग एजेंट हो सकता है और बेटा कोई केमिकल एजेंट भी हो सकता है कोई केमिकल भी कैंसर कॉज कर सकता है और बेटा फिजिकल एजेंट भी हो सकते हैं अगर मैं बात करूं बायोलॉजिकल एजेंट्स की तो यार कुछ ऑंकोजेनिक वायरस है क्या है ऑंकोजेनिक वायरस है तो यार लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसीलिए मैंने इसको बायोलॉजिकल एजेंट में डाला तो यार ये जो ऑंकोजेनिक वायरस है इनके पास स्पेशली जीन्स होते हैं कौन से जीन्स होते हैं सेल्युलर ऑंकोजीन्स सेल्युलर ऑंकोजींस या फिर इनको बोलते हैं प्रोटो ऑंकोजींस प्रोटो ऑंको ठीक है ये जो सेल्युलर ऑंकोजींस हैं जब ये वाले वायरस हमको इन्फेक्ट करते हैं देन बेटा द नॉर्मल सेल बिकम्स कार तो यार ये जब ये वाले वायरस जिनके पास सेलर जीन्स हैं या ऐसे वायरस जो ऑंकोजेनिक वायरस है वो हमारे बॉडी में भी वायरस को ट्रिगर कर सकते हैं एंड एक और बेटा मैं इससे मिलता जुलता कॉज बताती हूँ आपके पास ना प्रॉपर जीन्स हैं दो तरीके के जीन्स होते हैं वन इज कॉल्ड एज प्रोटो ऑंकोजीन ये सब में होता है प्रोटो ऑंकोजीन तुम्हारे पास भी है मेरे पास भी है और एक होता है ट्यूमर जीन ट्यूमर सुप्रेसर जीन हाँ जी ये जो प्रोटो ऑंकोजीन है नॉर्मल केस में जिसको कैंसर नहीं है उसमें बेटा ये ऑफ बैठा होता है नॉर्मल केस में ऑफ होता है और जिसको कैंसर नहीं है उसके केस में ट्यूमर जीन ऑन होता है यानी कि अपने लोगों को कैंसर नहीं है अभी तो हमारे में प्रोटो ऑंकोजीन ऑफ है और ट्यूमर को सुप्रेस करने वाला जीन ऑन है तभी ये ट्यूमर को सुप्रेस करके बैठा है मान लो बेटा कोई भी ऐसा एजेंट आया फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल जिसने क्या किया प्रोटो ऑन को ऑन कर दिया यस और इनको बना दिया सेल्युलर ऑंकोजींस सी ऑंक सेल्युलर ऑंकोजीन्स या फिर इस ट्यूमर सुप्रेस जीन को कर दिया ऑफ फिर इस केस में बंदे को क्या हो जाएगा वायरस कैंसर हो जाएगा फिर कैंसर से रिलेटेड जो जीन्स है ना वो सब में है लेकिन वो रेगुलेटेड फॉर्म में चल रहे हैं कि cellar, proto off बैठे हैं है लेकिन अगर बेटा ये चीज हुई हो हो on हो गया tumor suppressor off हो गया तो यार उस बंदे को हो जाएगा कैंसर और ऐसा कब हो सकता है ऐसा बेटा किसी ऑंकोजेनिक वायरस के आने से हो सकता है ऐसी वजह से हमारे सेल ऑंकोजेनिक हो सकते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा कुछ केमिकल्स केमिकल्स जैसे टबैको स्मोक टबैको स्मोक ठीक है जो लोग बहुत ज्यादा तंबाकू खाते हैं टबाको यानी कि तंबाकू उनको ओरल कैंसर होने के चांसेस है जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं निकोटीन ठीक है बहुत ज्यादा टंबाको उसमें भी होता है एंड बेटा उस वजह से भी आपको लंग कैंसर हो सकता है विनायल ख्लोराइड? विनायल ख्लोराइड भी बेटा एक कैन केमिकल है कैफीन का ओवरडोज निकोटीन मस्टर्ड गैस बेटा मूवी देखने गए हो ना जब तुम हॉल में मूवी देखने जाते हो वो जो स्टार्टिंग की एड आती है है ना रमेश सुरेश है ना जिसके यहाँ पर इतना बड़ा कैंसर दिखाते हैं उसने बेटा अपनी मम्मी के कंगन बेच दिए इसका ट्रीटमेंट कराने में लेकिन तंबाकू खाने से बेटा देख रहे हो क्या क्या होता है इनफैक्ट सिगरेट की डिब्बी के ऊपर लिखा होता है कि भैया इससे कर्क रोग होता है अब तो पहले वार्निंग छोटी सी होती थी अब वार्निंग बड़ी हो गई है माना कि वो लोग बेच रहे हैं बट क्या दिमाग हमें भगवान ने दिमाग नहीं दिया है आर वीबल टू डिसाइड वाइट फॉर एस वॉन्ग फॉर जो लोग भाग रहे हैं क्योंकि जब उनके सामने लिखा हुआ है कि भैया ये चीज तुम्हें तो मार सकती है फिर भी वीकनेस की वजह से अपने मेंटल वीकनेस की वजह से दे पिकअप दैट थिंग एंड दे एंजॉय देंप्ररी प्लेजर इसको मैंने टेम्प्ररी बोला है बेटा कुछ समय रहता है कुछ समय रहता है और वो शुरुआत कैसे होती है वैसे मैं ड्रग्स में थोड़ा और डिटेल में बात करूंगी इसके बारे में शुरुआत कैसे होती है क्यूरियोसिटी करके तो देखें ऐसा क्या होता है करके तो देखें ठीक है बट बेटा करने से ही बस एक बार शुरुआत की देर होती है करके देखने की वजह से कब ये चीज एडिक्शन में बदल जाती है नो वन नोस ठीक है चलो तो ऐसे केमिकल से भी हो सकता है और फिजिकल एजेंट्स की बात करें देर आयोनाइजिंग रेडियेशन आयोनाइजिंग रेडिएशन ठीक है जी जैसे एक्स रेज इनसे भी हो सकता है ओवर एक्सपोजर से गामा रेज गामा रेज एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रेज ये इंपॉर्टेंट है बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नॉन आयोनाइजिंग है और कौन सी आयोनाइजिंग है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यानी कि यूवी रेस इनसे भी आपका कैंसर सेल्स कार्सिनोजेंस ट्रिगर हो सकते हैं यस yes? ओके, okay. यस yes, बेटा, हो जाएगा चलिए तो ये बात हो गई आपके कॉजे ऑफ कैंसर की अब यार कैंसर को डायग्नोस कैसे किया जाए मान लो एक बंदे डॉक्टर इज लिटिल डाउटफुल कि यार इस पर्सन को कैंसर हो सकता है कैसे डायग्नोस करेगा कैसे बेटा डायग्नोस करेंगे बड़े सारे टेक्निक्स हैं सबसे पहले कि यार जिस टिश्यू में शक है उसकी क्या कराइए बायोप्सी कराइए क्या कराइए बायोप्सी बायोप्सी में क्या लिया जाता है कि उस टिश्यू को बड़ा पतला सा एक थिन स्लाइस टाइप पीस लिया जाएगा उसको स्टेन किया जाएगा ठीक है टिश्यू को स्टेन रंग दिया जाएगा और फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखेंगे कि यार उस टिश्यू में कितना सेल है क्या ये नॉर्मल नंबर है या फिर एबनॉर्मल नंबर है यानी कि बायोप्सी के बाद आपको वो जो टिश्यू लिया है टिश्यू सैंपल लिया है उसको क्या करना है स्टेन करना है बड़ी मोटी मोटी भाषा में बता रही हूं और फिर बेटा उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है इस स्टडी को बोलते हैं जो टिश्यू की स्टडी होती है ना बेटा हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी लैब में होती है बेटा पैथोलॉजी वाले डॉक्टर करते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ठीक है जी यस yes? कर लोगे हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी अगर बेटा किसी को ब्लड कैंसर है जैसे ब्लड कैंसर को बोला जाता है लुखेमिया यस yes? इस केस में ब्लड और बोन मैरो टेस्ट भी किया जाता है ब्लड एंड बोन मैरो मैरो टेस्ट बोन मारो टेस्ट भी किया जाता है कि कहीं सेल का नंबर ब्लड के अंदर ज्यादा तो नहीं है ज्यादा तो नहीं है फिर तो एक तो हो गया अपना बायोप्सी और क्या कर सकते हैं अपने लोग सीटी स्कैन भी कर सकते हैं ठीक है थ्री डी इमेज बन जाती है उससे सीटी स्कैन सीटी की फुल फॉर्म पता है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी ठीक है नेक्स्ट सबसे बेस्ट चीज मानी जाती है एम आर आई स्कैन एम आर आई क्या होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये सबसे बेस्ट मेथड है यार मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसमें भी एक तरीके की थ्री डी इमेज बनती है एंड दैट इज काइंड ऑफ विद ऑलमोस्ट नो साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नो साइड इफेक्ट ठीक है जी यस yes. और क्या कर सकते हैं आप और क्या कर सकते हैं मॉलिकुलर बायोलॉजी स्टडी भी कर सकते हैं मोल बायो स्टडी मोलिकुलर बायोलॉजी स्टडी मतलब आप कैंसर रिलेटेड जीन्स को स्टडी कर सकते हैं कि भैया है, इसमें वाला जीन है या फिर नहीं है और क्या कर सकते हैं एंटीबॉडीज कैंसर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं कैंसर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज ब्लड में चेक कर सकते हैं कि बनी है या फिर नहीं बनी है कुछ कुछ कैंसर में बनती है तो वो डिटेक्ट हो सकती है ओके जी चलिए तो ये बात होगी डायग्नोसिस की ये बात हो गई आपकी डायग्नोसिस की याद करो इसको पांचों के पांचों को याद करिए यस कम ऑन यस हर सेप्टन वेरी गुड वेरी गुड दैट इज हर सेप्टिन एप्सल्यूटली हर सेप्टन इसी का नाम है

इच्छा जागे तो लिंक ट्री पे सब कराया हुआ बेटा मैंने सब कराया हुआ टाइम के अकॉर्डिंग होता है ठीक है यही तुम यार दो साल पहले मुझे देख रहे होते तो आज किसी और लेवल पे होते आज तुम्हारे नोट्स बेस्ट नोट्स होते क्योंकि तुमने सब कुछ डिटेल में लिखा होता बहुत बढ़िया नोट्स होते बट यार तुमको मेरा पता ही नहीं चला इससे पहले है ना कितने बच्चे थे जिनको आज से छह महीने पहले मेरे बारे में नहीं पता था कितने बच्चे थे जिनको आज से छे महीने पहले तक मेरे बारे में नहीं पता था प्लीज टेल मी इन द पोल पोल में बताओ आज से छह महीने पहले तक भी नहीं पता था अरे बापरे वन परसेंट बच्चे नए हैं जिन्होंने छह महीने पहले मुझे देखा तक नहीं था भाई मैंने पता है, ढाई साल से यूट्यूब पे पढ़ा रही हो ढाई साल से I started in July 2020 and it's 2023. इस जुलाई में मुझे तीन साल हो जाएंगे YouTube पे बढ़ाते हुए बाकी तो यार अपना पुराना तो चल ही रहे चलो कोई बात नहीं अब मैं नहीं चाहती कि तुम वो दोबारा कभी डिटेल देखो और ये बच्चा को एक बोल रहा है हम अगले साल देख लेंगे भैया ड्रॉप नहीं कराना मुझे तुम्हें यू आर नॉट गोइंग टू बिकम ड्रॉपर यू आर गोइंग टू बिकम टॉपर एनसीईआरटी तुम रीड की मजा आया कि नहीं आया एनसीईआरटी पढ़ने में बताओ एनसीईआरटी एक मक्खन टाइप लगी कि नहीं लगी लगी कि नहीं लगी और एनसीआरटी बेस देखो हम साथ ऐसा नहीं कि करते जा रहे हैं हम साथ साथ स्पेशल में देख भी रहे हैं कि मुझे लर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है हो रहा है लर्न स्पेशल में आंसर दे पा रहे हो क्वेश्चन के

राइट right. कोई बात नहीं बेटा देर आए दुरुस्त आए देर आए दुरुस्त आए कुछ ही बच्चों को अंदर से इच्छा आती है मैम इससे भी डिटेल करना है उनके लिए बोला था मैंने उनके लिए बोला था जाओ कर लो भैया सब कराया हुआ मैम ने हाँ जी ट्रीटमेंट करेंगे सबसे पहले तो यार अगर तो सर्जरी पॉसिबल है ठीक है सर्जरी पॉसिबल है तो बंदा सर्जरी भी करा सकता है जिसमें ट्यूमर को रिमूव किया जाता है बट अकेली सर्जरी से काम नहीं बनता है आप सर्जरी को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं विद अदर थेरेपीज जैसे एक थेरेपी का मैं यहां पर नाम लिख रही हूँ रेडियोथेरेपी क्या नाम लिख रही हूँ रेडियोथेरेपी जिसमें जो ट्यूमर सेल्स हैं उन पे ना रेडिएशन डाली जाती है रेडिएशन डाली जाती है ताकि वो किल हो जाए ठीक है सो हेयर द ट्यूमर सेल्स इेडिएटेड इेडिएटेड मतलब उनपे रेडिएशन डाली जाएंगी विदाउट डैमेजिंग विदाउट डैमेजिंग नॉर्मल सेल नॉर्मल सेल ठीक है दैट इज रेडियोथेरेपी तो सर्जरी को रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का कॉम्बिनेशन लिया जाता है देन आता है कीमोथेरेपी अपने लोग क्या यूज करते हैं कीमोथेरापिटिक ड्रग्स कीमो थेरापिटिक दवाई दी जाती है थेरापिटिक ड्रग्स ठीक है यस yes. किसको याद है कौन सी कीमो एंटी कैंसर ड्रग्स यूज करते थे विन ब्लास्टिन विन क्रिस्टिन किस पौधे से लेते थे सदा बहार प्लांट से इनको लिया जाता है लेकिन यार ये जो कीमोथेरेपी करते हैं ना इसका को थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट भी होता है यस yes. यर इज साइड इफेक्ट जैसे कि आपने बहुत मूवीज में भी देखा है हेयर लॉस हो जाता है बड़ा वीक हो जाता है पर्सन यानी कि अनिमिया हो जाता है तो इन ड्रग्स का नो no डाउट ये इफेक्टिव तो है बट दे हैव साइड इफेक्ट ऑल्सो येस पेरीविंकल प्लांट यस पेरीविंकल एप्सोल्यूटली और क्या किया जाता है और करी जाती है इम्यूनोथेरेपी इम्यूनो थेरेपी यस इम्यूनोथेरेपी में बेटा क्या किया जाता है दे आर गिवन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर

यस yes. अब यार ये तो बात हो गई अपने कैंसर की मैंने यहां पर एक चीज आपको एडिशनल करा रही हूं दैट इज टाइप्स ऑफ कैंसर दो ही तरीके का लिखूंगी वैसे बड़े सारे तरीके का होता है टाइप्स ऑफ कैंसर एक जो बड़े कॉमन टाइप का कैंसर है इसको बोलते हैं कार्सिनोमा यस yes, कार्सिनोमा ये किसका कैंसर है कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू कैंसर ऑफ एपिडर्मल सेल्स या फिर एपिथेलियल टिश्यू बोलूंगी एपिथेलियल टिश्यू जिनका ओरिजिन क्या है एक्टोडर्म ओरिजिन क्या है एक्टोडर्म यानी कि जो सेल एक्टोडर्म से बने हैं उनके कैंसर उनको अगर कैंसर हो जाए तो वो हो जाएगा कार्सिनोमा एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर लंग कैंसर ये आपका कार्सिनोमा है ठीक है अनदर टाइप ऑफ कैंसर इज कॉल्ड एज सार्कोमा सार्को वर्ड कहां सुना है सार्कोमा सार्को वर्ड बेटा जी कहां सुना है सार्को वर्ड आपने सुना है मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ मीजोडर्मल सेल्स ठीक है जी यानी कि कैंसर ऑफ टिश्यू विच इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म डिराइव्ड फ्रॉम मिजोडर्म यस 85 फाइव परसेंट कार्सिनोमा होता है बचा हुआ सार्कोमा लाइपोमा ग्लायोमा आपका ल्यूकेमिया, ठीक है ये सब भी होता है बट हम इतना नीच करेंगे सिर्फ सार्कोमा देख लो यार मीजोडर्म से जो सेल बने मीजोडर्म से जैसे तुम्हारे बोन्स बने हैं कैंसर ऑफ बोन्स एग्जाम्पल बोन कैंसर या फिर कैंसर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू सॉफ्ट टिश्यू ठीक है तो ये बात हो गई आपके टाइप्स ऑफ कैंसर की विद दिस वी आर डन विथ कैंसर कैंसर पूरा हो गया है ये देख लीजिए प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के साथ ओके ओके, चलिए तो कैंसर के बारे में आपने इतना भी याद कर लिया आपके सारे सवाल हो जाएंगे अब चलते हैं बड़े इंटरेस्टिंग और आखिरी टॉपिक पे दैट इज ड्रग्स अल्कोहल स्मोकिंग ठीक है इन तीनों के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा एडिक्शन के बारे में बात करेंगे और जनरल बातें करेंगे ठीक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रमोद बेटा आपने थोड़ा तो करके देखा करो ये दो हजार बच्चे क्लास में बैठे हैं और कह रहे हैं वाली से अगर आपको दिक्कत होती है आप, हो आप रिवाइंड कर लो यही तो फायदा यूट्यूब का ऑफलाइन में कर सकते हो टीचर को रिवाइंड ऑफलाइन में टीचर आएंगे पढ़ाएंगे और चले जाएंगे बताओ उसके बाद तुम्हें बीच में ऐसा ही क्वेश्चन आया मैम जो पहले बोर्ड पर लिखा था वो दोबारा दिखा दो वो दोबारा समझा दो

बेटा हमारे समय पे ये पॉसिबिलिटी होती नहीं थी ऑफलाइन में पढ़ाते थे टीचर बिल्कुल तब ये ना टेक्नोलॉजी इतनी थी भी नहीं टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वहां पर ना बहुत लॉस हो जाता था बच्चे ने बच्चा गया मामा की शादी में मामा की शादी में लग गया है एक पूरा मह, हफ्ता अब हफ्ते में टीचर ने जेनेटिक्स पढ़ा दिया बस खत्म छुट्टी अब कभी जेनेटिक्स समझ नहीं आएगा ना एमबीए समझ आएगा ना प्रिंसिपल समझ आएगा फिर वहां पर कोई रिवाइंड बटन नहीं होता है दोस्तों से समझोगे नोट्स को फोटिंग फो, फो, फोटो कॉपी कराते हैं समझने की कोशिश करते हैं बट जो इफेक्ट टीचर का आता है वो बच्चे का नहीं आ सकता है ना वो स्टूडेंट का नहीं आ सकता है बस फिर उस बच्चे का हमेशा जेनेटिक्स वीक है लेकिन यही ब्यूटी बेटा ऑनलाइन की है आप मामा की शादी में जाइए भाई की शादी में जाइए चाचा की शादी में जाइए आपके पास हमेशा ऑप्शन है उस चीज को दोबारा सुनने का या उस चीज को रिवाइंड करके मल्टीपल टाइम्स देखने का उस लेक्चर को सेव करके रखने का ठीक है आप समझेंगे लोग भी समझेंगे इसके इफेक्ट को एक साल दो साल और लगेंगे व्हेन दे विल रियलाइज द पावर ऑफ ऑनलाइन वर्ल्ड पहले के समय बेटा लोगों को बहुत डर लगता था यार कपड़े कपड़े कैसे ऑनलाइन खरीद सकते हो इम्पॉसिबल। बिना ट्राई करे बिना कपड़े को छुए, उसका you know, टेक्सचर फैब्रिक कैसे कपड़े से शॉपिंग करेंगे आज देख रहे हो ना बेटा आज आप देख लीजिए एमेजो मिंत्रा दे एवरीथिंग। ठीक है अब बिना कपड़े को फील करे आप कपड़ा ऑर्डर करते हैं है ना पहले सोचते थे कि यार ये है ना ये तो मेरे को लेंस समझ नहीं आएगा ठीक है मेरे को कैसे पता चलेगा दिस लेंस और नॉट शूटिंग मुझे तो दुकान पे जाके ही स्पेक्स बनवानी पड़ेगी आज आप देख रहे हो देर इज अ वर्चुअल असिस्टेंस जो आपकी ही फोटो पर मल्टीपल लेंसेज दिखा के चढ़ा के बता देगा कि आपको अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा आप वहीं बैठ कर ऑर्डर कर सकते हो तो यार पीपल विल रियलाइज अभी लोगों को लग रहा है कि यार सब वही है बट पीपल विल रियलाइज आफ्टर टू ईयर्स कि सब यही है दिस इज द नेक्स्ट वर्ल्ड दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आप समझेंगे ठीक है मेटावर्स आने वाला है यार तुम बातें कर रहे हो कि क्लास में पीछे वाला कैसे देखे बड़ी बातें किया करो ठीक है बड़ी बड़ी बातें किया करो ये छोटी बातें मत किया करो रिवर्स कैसे करेंगे बेटा गियर क्या पीछे जस्ट बटन ही तो क्लिक करना है <coughs> yes, हाँ, एक बात और बतानी थी बेटा आपको आ, ये चैप्टर खत्म करने के बाद अब बेटा नेक्स्ट वीक आई एम नॉट अवेलेबल ठीक है आई वोट बी टेकिंग एनी लाइव क्लास नेक्स्ट वीक आपको मैं दिखती रहूंगी बेटा आई एम ट्रेवलिंग नेक्स्ट वीक आई हैव अट्स बुक टू समस ने आर आई विल बी बैक ऑन थर्टी ऑफ जनवरी ठीक है तो अगले हफ्ते आपकी कोई लाइव क्लास नहीं होगी ये मैं आपको अभी बता दे रही हूं बट क्या आपको छुट्टी मनानी है है मजे मजे करने हैं मैम की लाइव क्लास नहीं है, ओहो, मजे, पार्टी। नहीं ओहो पार्टी बेटा आपको बैकलॉग क्लियर करना है आपको बहुत सिलेबस बचा हुआ है आपका बेटा ट्रैकर देखने बैठोगे ना बहुत सिलेबस बचा हुआ है उस ट्रैकर को देखिए जो चीजें नहीं करी हुई चाहे वो बायो हो चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो उन चीजों को फटाफट से निपटाना है ठीक है सो नेक्स्ट वीक आई बी अवेलेबल नो लाइव क्लास बट देयर विल बी मेनी विल कम जो आपको हेल्प करेंगे बेटा मैं आपको दिखती रहूंगी टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे आप मुझे दोनों जगह फॉलो करके रखें राइट बट लाइव क्लास नहीं होगी आपको बैकलॉग क्लियर करना रहेगा और डीपीबीज बेटा मैं आपको प्लस वाले ग्रुप में भेजती रहूंगी आप सॉल्व करते रहना उनको ओके okay? तो मैंने कहा मैं आपको पहले बता दूं आप मुझे ढूंढिएगा मत क्लास कहां गई क्लास कहां गई अब जो क्लास होगी वो तीस तारीख को होगी ठीक है थर्टीएथ और थर्टी को होगी चलिए बेटा सो ड्रग्स के बारे में बात करते हैं बेटा ड्रग्स और एल्कोहल अब्यूज एक चीज होती है यूज और एक चीज होती है एब्यूज यूज तो होता है कि करेक्ट डोजेज में किसी ने कोई चीज ली हो जैसे ड्रग्स तो बेटा दवाई को ही बोला जाता है ड्रग्स तो बेटा मेडिसिन भी है, है ना मेडिसिन भी है लेकिन बेटा मेडिसिन वो तब कहलाती है जब आप डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई पे डॉक्टर की, की हुई क्वांटिटी पे काम करेगी डॉक्टर ने अगर पांच एम जी बोला पांच एम जी लेना है चार दिन के लिए बोले तो चार दिन के लिए ही लेना है अगर आप अपनी मर्जी से उसकी क्वांटिटी को बढ़ाएं उसकी डोजेज को बढ़ाएं और यू नो फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें कि डॉक्टर ने एक बारी बोला था आप तीन बारी ले रहे हैं पांच एम जी बोला चाहे आप पचास एम जी ले रहे हैं तो वो यूज नहीं रहता बेटा उस यूज के आगे लग जाता है ए बी वो बन जाता है एब्यूज तो यार जो चीजें बेनिफिट के लिए बनी थी एंड उनके लिए करेक्ट डोजेज डिसाइड किया गया था अगर उन चीजों का ओवर यूज एब्यूज किया जाएगा तो हो सकता है प्रॉब्लम तो हो सकती है ड्रग एब्यूज ठीक है तो मोस्ट कॉमनली यूज पहले ड्रग्स करेंगे फिर एल्कोहल करेंगे फिर स्मोकिंग करेंगे हां जी बेटा तीन कैटेगरीज में बेटा माधुरी विश्वकर्मा आप क्लास चल रही है और बीच में फोन कर रही है यस ओपियॉइड कैन एंड कोका एल्कोलॉइड कोका एल्कोलॉयड डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एनसीआरटी में से आएगा ठीक है ड्रग्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और एन सी आर टी में से ही आएगा सबसे पहली चीज एग्जाम्पल एग्जाम्पल में डायरेक्ट क्वेश्चन तो पहले एग्जाम्पल लिख लो एग्जाम्पल मॉरफिन ओपियोर्ड यानी कि अफीम ठीक है मॉर्फिन हीरोइन हीरोइन ब्राउन शुगर ये सब इसकी एग्जाम्पल है ठीक है ब्राउन शुगर देन आए केनाबिनोइड में केनाबिनॉइड में हशीश चरस गांजा ठीक है मारी युआना बेटा मारी जुआना नहीं है ये मारी युआना है ठीक है करेक्ट बोलिए इसको कोका एल्कोलॉइड में क्या आ जाएंगे इसमें आ जाएंगे एरिजाइलम कोका से बना हुआ एरथ्रोजाइलम कोका से बना हुआ कोकेन कोकेन अभी हम लिखेंगे किससे बनता है रिथ्रोजाइलम

Morphin, कहां से ली जाती है बड़ा that is papawar, papawar somniferum, papawar somniferum. बेटा क्लास में जो करा रही हूँ यहीं पे लर्न करके जाना है और ये जो क्वेश्चन है लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट वाला कि कहां से लिया जाता है दैट केम इन नीट 2018. कहां पूछा गया था बेटा नीट 2018 में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आया था मॉर्फिन के ऊपर मॉर्फिन का डॉक्टर्स किस तरीके से यूज करते हैं बेटा मॉर्फिन एक सेडेटिव है जिससे नींद आती है मॉर्फिन एक पेन किलर है बहुत इफेक्टिव पेन किलर है तो यार जिनकी सर्जरी होती है ना तो सर्जरी के बाद कुछ करेक्ट डोजेज में मॉर्फिन को दिया जाता है तो पोस्ट सर्जरी इसको दिया जाता है पोस्ट सर्जरी इसको दिया जाता है ठीक है यस तो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर आपको यहां से देखना रहेगा इसपे सवाल आ सकता है पॉपी प्लांट की फोटो बनी हुई है वो भी आपको देखनी रहेगी तो यार ये ध्यान दो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन ठीक है ओल्ड एनसीआर में स्ट्रक्चर अलग है न्यू एनसीआर में अलग है तो यार ये न्यू एनसीआर की आपके सामने इमेज है आपको मॉर्फिन का स्ट्रक्चर पहचानना आना चाहिए इतने केमिस्ट्री के बड़े बड़े स्ट्रक्चर याद कर लेते हो इसको भी किसी तरीके से रट्टा मारो और ये आना चाहिए और बेटा ये कौन सा प्लांट है पॉपी प्लांट है इसी पॉपी प्लांट के लेटेक्स से कौन से पार्ट से लेटेक्स से आपका मॉर्फिन बनता है यस yes, मॉर्फिन बनता है अब यार इस मॉर्फिन पर इसी मॉर्फिन पर मैं दो एसिटाइल ग्रुप लगा दूंगी दो एसिटाइल ग्रुप लगा दूंगी यानी कि मैं डाई एसिटाइलेशन करूंगी तो कुछ और बन जाएगा और वो क्या बनेगा दैट वुड बी द सेकंड वन इन ओपिओइड कैटेगरी दैट इज हीरोइन अगला बेटा जी हम क्या करने वाले हैं हीरोइन हीरोइन बना कैसे जब आपने मॉर्फिन की डाई एसिटाइलेशन कर दी फॉर्मड बाय फॉर्मड बाय डाई एसिटाइलेशन डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन मॉर्फिन पर ही एसिटाइल ग्रुप लगा दोगे तो हीरोइन बन जाएगा और ये क्वेश्चन आया था उससे जस्ट एक साल बाद दैट इज नीट 2019 यस yes, बेटा सोचो दो साल लगातार एक ही टॉपिक में से सवाल आ रहा है एक ही टॉपिक में से ओपियॉइड में से ही सवाल आ गया पहले प्लांट के बारे में पूछ लिया पॉपी प्लांट 2018 में फिर पूछ लिया कि यार हीरोइन कैसे बनेगा मॉर्फिन की एसिटाइलेशन करके एसिटाइलेशन करके ठीक है ये बेटा हीरोइन जो एयरपोर्ट पे पकड़ी जाती वाइट ऑर्डरलेस थोड़ा सा खा के देखते हैं बिटर टेस्ट है आता है कि नहीं आता देखें ना अपने वो पुलिस वाले खा के देखते हैं बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड ठीक है इसको लिया कैसे जाता है या तो इसके इंजेक्शन लगता है या तो इसके इंजेक्शन लगता है या फिर उस पाउडर पे टक 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 करके सीधा अंदर स्नॉटिंग ठीक है स्नॉटिंग करी जाती है नाक से अंदर लिया जाता है इस पाउडर को ठीक है नाक से अंदर लिया जाता है इस पाउडर को ठीक है, है? क्या? क्या है? है, है। जिससे नींद आती है हीरोइन क्या करता है बेटा एक तरीके का ना डिप्रेसेंट है डिप्रेसेंट है ठीक है डिप्रेसेंट का मतलब है बॉडी अचानक से एक्टिव नहीं हो जाएगी बॉडी के फंक्शन स्लो डाउन हो जाएंगे स्लो डाउन बॉडी फंक्शन बॉडी फंक्शन ठीक है स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन थोड़ी सी बॉडी स्लो हो जाएगी तो ये बात होगी हीरोइन की इतनी चीजें याद रहेंगी हीरोइन के बारे में हाँ बेटा ये करीना कपूर वाली हीरोइन नहीं है ये वो पाउडर वाली हीरोइन है चिट्टा ठीक है दैट इज दैट हीरोइन नेक्स्ट चलते हैं अपने कैनाबी पर नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रग कैनाबी ठीक है कैना अब यार मिलते हैं अगर मैं इनको देखूं तो अपने को मिलते हैं इन फ्लोरिसेंस ऑफ इन ऑफ कैनाबिस प्लांट का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है कैनाबिस सटाइवा ठीक है दैट इज अम्प प्लांट हेम्प प्लांट से अपने को नैचुरल केनाबिनॉइड्स मिलते हैं नेचुरल अब ये इसी प्लांट के इसी प्लांट के तुम अलग अलग हिस्सों को उठा लो इसी प्लांट का फ्लावर का टॉप ले लो इसी प्लांट की पत्तियां कॉम्बिनेशन तो अलग -अलग के से बेटा बाकी के भी केनाबिनोइट बन जाते हैं कैसे लिया जाता है केनाबिनोइड जनरली बेटा इसको इनहेल किया जाता है पाउडर को नहीं अंदर लेके जाना समथिंग इज इनहेल्ड ठीक है इनहेलेशन इनहेलेशन और इसको ऐसे भी खा सकते हो और इंजेक्शन इसको कंज्यूम किया जा सकता है इसके रिसेप्टर कहा है तो तुम बोलोगे ब्रेन में है।, है? में है लेकिन सिस्टम कौन सा अफेक्ट करता है द सिस्टम विच इज अफेक्टेड इज कार्डियो वैस्क्यूलर सिस्टम कौन से सिस्टम को अफेक्ट करेंगे कार्डियो वैस्क्युलर सिस्टम याद रहेगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ओके यस चलिए अब बेटा ये जो ड्रग्स है ना ये एक तरीके से मसल्स को पंप अप देते हैं अगर मैं इन ड्रग्स की बात करूं, कैनाबिनॉइड um, की बात करूं, तो यार थोड़ा सा ना पंप अप देते हैं यू कैन से टू योर मसल एक्टिविटी तो इसको बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन भी अब्यूज करते हैं टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस यस सो इट इज़ अब्यूज बाय स्पोर्ट्स पर्सन आजकल तो डोपिंग इतनी यू you नो know, बहुत अच्छे से चेक होते हैं अब ये चीजें डोप अगर कोई भी करता है बट फिर भी बेटा इसको बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन ने भी यूज कर रखा है टू तो इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस यस क्योंकि स्टिमुलेंट है ये एक तरीके का क्या है स्टिमुलेंट है ये आपको एक्टिव कर देगा और वहां पर एक्टिवनेस ही चाहिए वहां पर एक्टिवनेस ही चाहिए चलिए नेक्स्ट अपने चलते हैं कोका अल्कलॉइड पे ये भी स्टिमुलेंट है कोका अल्कलॉइड्स कोका अल्कलॉइड्स जिसमें अपने कोकेन के बारे में बात करेंगे इसको कोक या क्रैक भी बोला जाता है कोक और क्रैक ठीक है जी यस सबसे पहले प्लांट ये कोका प्लांट से मिलता है कोका प्लांट कौन है एरिथ्रोजाइलम कोका एरिथ्रोजाइलम बड़ा आसान है प्लांट के नाम याद रखना एरिथ्रोजाइलम कोका ठीक है जी यस इस प्लांट से मिलता है अब ये बेटा किसके साथ इंटरफेयर करता है इट ट्रांसपोर्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोन एक बहुत बढ़िया न्यूरो फीलिंग आती है आप बहुत बढ़िया लेवल पे हैं मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं मैं बहुत खुश हूं यानी कि एक्टिवेट्स द रिवॉर्ड बहुत जो फीलिंग आपको एक प्राइज लेने में आती है ना कुछ अचीव करने में आती है वो एक्चुअल डोपामेन की वजह से आती है अब अगर उसी फेक फीलिंग को तुमको लेना है टेम्प्री टाइम के लिए तो बंदा क्या यूज करता है इन का यूज कर सकता है इसमें आपको ना ऐसा फील होगा यू आर ऑन क्लाउड ठीक है यूफोरिया टाइप की फीलिंग आएगी बहुत वेलबिंग well वाली फीलिंग आएगी कि आई एम वेरी हैप्पी आई हैव सम काइंड है अवार्ड और इस तरीके की अच्छी अच्छी चीजें आपको फील होंगी बट वो बहुत टेम्पररी है और एडिक्टिव है अगर फीलिंग लेनी है ना बेटा फीलिंग लेनी है

और बेटा हेलुसिनेशंस में तुमको दो चीजें और याद रखनी है दैट इज गोइंग टू बी एट्रोपा बेलेडोना एट्रोपा बेलेडोना एंड दतूरा एंड दतूरा ठीक है इनके पास भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया था ऑल इंडिया पीएमटी 2014 में ये एट्रोपा बेलेडोना और दतूरा वाला की हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी किसके पास है तुम बोलोगे एट्रोपा बेलेडोना दतूरा और कोका एल्कलॉइड्स के पास है कोकेन के पास है, है? ठीक अब यार इसका डायग्राम भी एक बार देख लो ये तो बात हो की। और भी है। ये देखिए ये ये पहचानना आना चाहिए आपको पेपर में बनाकर भी दे सकते हैं दतूरा और पॉपी प्लांट में अंतर देख लेना कैनोिस तो सिर्फ पत्तियां हैं तो वो तो पहचान लोगे तुम दतूरा और पॉपी प्लांट में डिफरेंस देख लीजिए ओके okay, दतूरा और पॉपी प्लांट में डिफरेंस देख लीजिए तो यार अपने हो गए तीन कैटेगरीज के ड्रग्स ठीक है तीन कैटेगरीज के ड्रग्स यस और क्या हो सकते हैं इसके अलावा एक्स्ट्रा में बेटा अगर देखा जाए तो यार कई बार ना मेंटल इलनेस हो जाती है डिप्रेशन हो जाता है नींद आनी बंद हो जाती है, है ना आपने देखा हैसेस ऑफ डिप्रेशन डिप्रेशन में ई आता है आई आता है ये केसेस ऑफ डिप्रेशन डिप्रेशन हो गया नींद ना आना हो गया है ना उसको फिर डॉक्टर ट्रीट करने के लिए क्या देते हैं उसको अगर मुझे ट्रीट कर रहा है तो यार नींद वाली दवाई देनी पड़ेगी क्या देना पड़ेगा नींद वाली दवाई देनी पड़ेगी तो क्या यूज कर सकते हैं अपने लोग बार बिचरेट्स ये ट्रैंकुलाइजर है येटिव से, से, बार बिचरेट्स यूज कर सकते हैं एम फिटामाइंस एम फिटामाइंस ठीक है एल एस ठीक है डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए बेटा ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं बाकी मैं आपको बताऊं ये जो एम्फीटामाइन है ना ये तो एड्रेनलिन की तरह होता है ये भी स्पोर्ट्स पर्सन यूज करते है, आ, करते हैं हैं अब्यूज आई वुड से अपनी एक्टिविटी को अननेचुरल तरीके से बढ़ाने के लिए तो यार ये ड्रग्स यूज किए जाते हैं ट्रीटमेंट में लेकिन अगर आप इसको यूज करोगे कि किसी और चीज के लिए तो प्रॉब्लम आ सकती है ये भी बेटा एक तरीके के हेलोसिनोजेनिक है दीज आर ऑल्सो ठीक Hallucinogen. है होता क्या कि यार बने तो थे ये यूज के लिए कि यार जिसको नींद नहीं आ रही जो बहुत बहुत लो फील करता है जो डिप्रेशन में है उसको ये सब ड्रग्स देने थे लेकिन आप बेटा अपनी मर्जी से इसका डोजे सेलेक्ट करते हो और इसका एब्यूज करते हो तो उसकी वजह से आपको फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फिजिकल सारे इंपैक्ट आएंगे और ये सवाल आ चुका है ऑल इंडिया पीएमटी दो में इस पैराग्राफ में से सवाल आया था 2014 में से ठीक है हाँ नीट का कोई ड्रग नहीं है बेटा नीट की ड्रग है पढ़ाई नीट का कोई ड्रग नहीं है बहुत ही बढ़िया बेटा आपके में ना बच्चों की कमी नहीं है कमी नहीं है यार क्लास में एनरोल करा है कि नहीं करा पहले ये बताओ नीट का ड्रग है क्लास लगाना ठीक है पढ़ाई करना पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है हम बच्चे पूछते हैं नब्बे दिन में हो जाएगा नब्बे मेहनत तो करनी पड़ेगी नाइनटी डेज का उसमें बेटा ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन क्लास में आए और बिल्कुल गुट्टी पिला दी मैजिक नहीं है कोई भी मैजिक नहीं है मेहनत आपको खुद से करनी रहेगी तभी सीख पाएंगे मेहनत नहीं करेंगे सिर्फ क्लास के भरोसे बैठेंगे तो नहीं होगा नहीं होगा प्लीज रिमेंबर कोई ड्रग नहीं मिलता मार्केट में कोई ऐसी कोचिंग नहीं है जो तुमको बिना कुछ करे करा सकती है काम। तुमको घर पे मेहनत क्लास के अलावा मेहनत जो सेल्फ स्टडी है ना वो करनी पड़ती है तब जाकर रिजल्ट आता है यार ऐसा आसान नहीं है डॉक्टर बनना 20 लाख बच्चों में से एक लाख का सिलेक्शन कैन यू लुक एट द रेशो कितना कम रेशो है कितना कम रेशो है तो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी अकेली क्लास अकेला वे पढ़ाएगा, पढ़ाएगा। तो तो नहीं तो आप क्रश हो जाएंगे नहीं तो आप क्या हो जाएंगे क्रश हो जाएंगे ठीक है क्योंकि वो कोर्स धीरे धीरे नहीं चल सकता है वो आपकी स्पीड से नहीं चल सकता हो सकता है बहुत सारे बच्चे रिवाइज करके आए सबकी स्पीड को मैच करना होता है राइट सबकी स्पीड को मैच करना होता है ठीक है कि मेरे को हेलोसिनोजन दे दो मैं जागता रहूं पूरे दिन मैं भी लाइट को सुनूं और साउंड को देखूं चलिए नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में दैट इज स्मोकिंग 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 का यार आपको आपको पता पता ही है है वैसे तो यस yes. सबसे ज्यादा स्मोकिंग किसकी होती है तंबाको की टंबाको को सिर्फ स्मोक नहीं किया जाता है इसको तो खाया भी जाता है चवाया जाता है उनको बेटा ओरल कैंसर हो जाता है एंड यूज एज अ स्नफ सो इट इज स्मोक्ड इट इज च्यूड ऑल्सो तंबाकू इसको च्यू भी किया जाता है और बेटा इसको स्नफ भी किया जाता है इस स्मोक में क्या होता है टमाको में बेटा क्या है निकोटीन है ये कलर दिख रहा है निकोटीन है जो कि क्या है एक तरीके का एल्कोलॉइड है जो कि क्या है एल्कोलॉइड है और बेटा ये एक तरीके का डिप्रेसेंट है ये स्टिमुलेंट है तुम्हें डाउन करेगा या अप कर देगा तो तुम बोलोगे ये स्टिमुलेंट है स्टिमुलेंट है किसकी तरह जैसे एसिटाइल कोलिन होता है स्टिमुलेंट है ये एड्रेनलिन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ग्लैंड को जाकर बोलता है कि भैया तू तो एड्रलिन रिलीज कर ठीक है नॉर एड्रलिन रिलीज कर क्या ये दोनों भाई भाई हैं या फिर ये दुश्मन है बताओ जरा क्या एड्रलिन और नॉर एड्रलिन भाई भाई हैं या फिर दुश्मन है तुम बोलोगे ये भाई भाई हैं, ठीक है थीके? क्योंकि दोनों सेम काम करते हैं ऑपोजिट काम नहीं करते इनके नाम ऐसे हैं जैसे दुश्मन हो बट ये दोनों भाई हैं एड्रलिन का सच्चा ट्विन ब्रदर है नॉर एड्रलिन दोनों सेम काम करते हैं बस एक ज्यादा पोटेंट है एक कम पोटेंट है बट काम सेम करते हैं ठीक है अब इसकी वजह से क्या होगा मान लो एड्रलिन बढ़ गया हार्ट रेट बढ़ गया हार्ट रेट बढ़ने का मतलब है बीपी बढ़ गया बीपी को बढ़ाएंगे और हार्ट रेट को बढ़ाएंगे, लेकिन जबरदस्ती इमरजेंसी हार्मोन घूमता रहता है नहीं तो एड्रलिन की जरूरत कब होती है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में जब कोई इमरजेंसी है वह यह स्मोक कर रहे हैं कोई इमरजेंसी नहीं है एड्रलिन का रश आ रहा है हार्ट रेट तेज हो रहा है बिना मर्जी के जब बारी बारी दिन में यार जितनी बारी स्मोक करोगे एक बारी, दो बारी तीन बारी उतनी तेज रहना अच्छी बात नहीं है क्योंकि यार हार्ट पे लोड बढ़ रहा है आप कह रहे हो ना हार्ट रेट इंक्रीज कर रहे हो हार्ट पे लोड बढ़ रहा है एक यार लाइफ होती है हर मशीन की एक लाइफ है अगर यार तुम इसी लाइफ में उसको जल्दी जल्दी धड़कवा भैया बाद की लाइफ के लिए बचेगा क्या उसके एक नंबर ऑफ लिमिटेड साइकिल्स है जितना टाइम उसने बीट करना है यू आर कंज्यूमिंग दो विदाउट एनी यूज इन दिस एज ठीक है तो ये बहुत बहुत ज्यादा बुरी चीज है नो वन शुड इवन ट्राई इट ठीक है इससे कैंसर भी हो सकता है तुमको पता है लंग कैंसर हो सकता है यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है थ्रोट का कैंसर हो सकता है अगर आप खाते हैं थ्रोट uh, का कैंसर हो सकता है पता है क्रॉनिक स्मोकिंग से क्या होता है एक क्रॉनिक बीमारी एम फाइसेमा याद है कि नहीं है एम फाइसेमा पे तो यार इतने बारी क्वेश्चन आ चुके हैं रेस्पिरेशन में एम से कि स्मोकिंग से लॉन्ग एक्सपोजर टू स्मोक से एम होता है और क्या हो सकता है हार्ट डिजीज तो होगा हो ही होगा बेटा इनका हार्ट बहुत वीक होता है जो लोग स्मोक करते हैं ना दे हैव अ वेरी वेरी वीक हार्ट ठीक है जी यस yes. और क्या होगा बेटा स्मोकिंग की वजह से आपके ब्लड में कार्बन मोनोक्साइड जो है वो बढ़ जाएगा जिसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी डेफिशिएंसी हो जाएगी क्लियर है स्मोक के बारे में क्लियर है बेटा ये दो चीजें इसको मैं उठा के ना पिछले पेज पे रख देती हूँ स्मोक के बारे में क्लियर है बच्चों कोई करेगा तो नहीं गलती से भी बता दो कोई भी बच्चा ट्राई तो नहीं करेगा वेरी बैड थिंग बेटा आपको उन्हें बताना चाहिए कि भैया ये, ये हो सकता है तुम्हारे हार्ट के है, तुम उसको मत करो इसमें। हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपको क्यूरियोसिटी की वजह से भी इसको ट्राई नहीं करना चाहिए चलो स्मोकिंग हो गई ये भी बात हो गई स्मोकिंग के बारे में कर लिया अब यार ये बड़ी बेसिक सी बात है एडोलोसेंट्स एंड ड्रग एब्यूज इसको मैं यही से कराऊंगी एडोलेसेंट क्या होता है बेटा आपकी चाइल्डहुड और एडल्टुड के बीच में जो teenage होती है है इसको बोलते हैं एडोलेसेंस एडोलेसेंस ठीक है? Adolescence. ये बड़ा वल्नरेबल फेज होता है इसमें आदमी जो है जो इस एज में तुम हो यू गाइज आर एडोलेसेंस आदमी जो है वो बहुत जल्दी किसी के भी कहने पर आ जाता है वर्नरेबल फेज होती है मेंटली साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए पूरी हर जगह से वलनरेबल एज है

और कई बार जो बंदा एक्सपेरिमेंट नहीं भी करना चाहता उसके आसपास के दोस्त जब कर रहे होते हैं तो पीयर प्रेशर होता है कि भैया ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता आपको लगता है कि जो फूफू करते हैं वो बड़े कूल हैं जबकि बेटा वो कूल नहीं है वो नामाकूल है उनको सबको जानते हुए भी बींग अ मेडिको बींग एटलीस्ट स्टूडेंट ऑफ मेडिकल फील्ड जिसने ट्वेल्थ मेडिसिन में पढ़ी है मेडिकल किया है ट्वेल्थ में अगर वो फूफू करके अपने आप को बेटा बहुत सुपीरियर समझ रहा है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है दे आर नॉट सुपीरियर दे आर रादर इनफीरियर ठीक है बट ये बच्चा समझता नहीं है यार एडोलेसेंट जो बच्चा है वो समझता नहीं है वो बेटा उसको देख देख के या उस चीज को मैच करने के लिए अपने आप को कूल बनाने के लिए वो भी ये चीजें ट्राई करता है वो अल्कोहल ट्राई करेगा वो ड्रग ट्राई करेगा क्योंकि एक परसेप्शन बना हुआ है कि जो लोग ड्रग्स कंज्यूम करते हैं वही लोग क्या है कूल है और प्रोग्रेसिव है ऐसा बेटा माना जाता है बहुत गलत माना जाता है वैसे कि यार जो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं वही लोग मॉडर्न है पुराने जमाने के लोग नहीं करते थे नए जमाने के लोग स्मोकिंग करते हैं जबकि बेटा इट इज वेरी 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 रॉन्ग आई टोटली कॉन्डेम इट ठीक है स्मोकिंग हो ड्रग एब्यूज हो आपको किसी के कहने पर किसी के प्रेशर में या सो कॉल्ड कूल बनने के लिए नहीं ट्राई करना चाहिए और बेटा इस चीज को प्रमोट थोड़ा सा मूवीज भी कर देती मूवीज में हम देखते हैं कबीर सिंह कबीर सिंह से कौन मोटिवेट नहीं हुआ है कि तो भैया ऐसा डॉक्टर बनना है किसी ने उसके मार्क्स नहीं देखे कि वो पीएम पीएमटी का टॉपर था उसका बढ़िया कॉलेज था किसी ने नहीं देखा सब ने क्या नोटिस किया कि मैम वो ना स्मोकिंग करके अल्कोहल कंज्यूम करके सर्जरी कर रहा है आप ये नहीं देख रहे वो कितनी रिस्क में डाल रहा है अपने पेशेंट को एंड एंड लास्ट में आपने देखा होगा कि यही स्मोक था जिससे उसकी जान भी जाने लगी थी डो रिमेम्बर कि वो अपनी ओवरडोज इतनी कर लेता है कि ही अबाउट टू डाई ही नीडेड डर डॉक्टर तीन दिन बेहोश रहा था वो ठीक है तो यार मूवीज वगैरह भी थोड़ा सा इंपैक्ट कर देती हैं इस चीज को इस प्रेशर को बढ़ाने में राइट right. तो ड्रग्स का क्या होने लग गया रिपीटेडली यूज होने लग गया लोगों ने ड्रग्स को यूज करना शुरू कर दिया एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वन फेल्स टू रियलाइज इज देयर एडिक्टिव नेचर अब भैया तुमने क्यूरियोसिटी के चलते यूज तो करना शुरू कर दिया लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था कि भैया ये तो एडिक्शन है

इवन वेन दे आर नॉट नीडेड जब नहीं भी जरूरत है नहीं भी हवा में चढ़ना है नहीं भी खुश होना है तब भी ले रहे हो है ना तब भी ले रहे हो और इवन वेन देर यूज बिकम से आप तब भी लेते रहेंगे जब आपको समझ आ रही है कि यार ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है बेटा कॉलेज में जो लोग ओवर यूज करते हैं ना इन ड्रग्स का ओवर यूज करते हैं ना इन ड्रग्स का उनके कभी अच्छे नंबर नहीं आते उनकी सप्लियां आती है सिर्फ ठीक है सपलियां आती है तो अगर आपको सपलियां चाहिए तो बहुत बढ़िया चीज है ये

तो आप क्वांटिटी क्या करते हो उसकी बढ़ाते जाते हो और जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाओगे बॉडी का में जो है वो भी बढ़ता जाएगा वो भी बढ़ता जाएगा हाउ क्लियरली बॉर्न इन माइंड दैट द यूज ऑफ दीज ड्रग्स वंस डन कैन बी फोर रन टू एडिक्शन एक बारी भी किया बेटा उससे आपको एडिक्शन हो सकती है सिंगल टाइम यूज यूजेड नहीं तो आदमी सोचता है एक बारी करने से क्या होता है ट्राई कर लेते हैं एक बारी करने से क्या होता है लेकिन बेटा सिंगल यूज Leads to addiction and it is scientifically proven. ये साइंटिफिक चीज है, है कि एक बार यूज करने से भी इसका एडिक्शन हो जाता है अब यार मान लो कोई बंदा इस पूरे सर्कल में फंस चुका है विशेष साइकिल में फंस चुका है कि यार उसको अच्छी फीलिंग लेनी है वो ड्रग लेता है दो तीन बारी उसने अच्छी फीलिंग के लिए किया लेकिन अब बॉडी एडिक्टेड हो गई लेकिन कोई समझदार आदमी मेरी तरह उसको मिला जिसने उसको बोला कि भैया ये चीज अच्छी नहीं है तुम्हें इसे छोड़ना पड़ेगा करियर भी बर्बाद हो जाएगा फाइनेंशियली भी बहुत वीक हो जाओगे तो यार उसने सोचा कि आ, कल से मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा कल से मैं ये नहीं करूंगा ठीक है कल से मैं ये नहीं करूंगा तो उसको बेटा स्टार्टिंग में आएंगे विदड्रॉल सिम्टम जब आप अचानक से कोई एडिक्टिव चीज को छोड़ते हो तो बॉडी क्या शो करती है विदड्रॉल सिम्टम ठीक है कि अगर जितना वो ड्रग्स ड्रु, लेता था मान लो रोज वो चार सिगरेट पीता है अचानक से उससे आपने सिगरेट की डब्बी चुरा ली उसकी वो बेचारा बहुत चक्का हो जाएगा ही विल स्टार्ट फीलिंग शेक शेकीनेस ठीक है स्वेटिंग होने लगेगी घबराहट होने लगेगी उस फीलिंग को बोलते हैं विद्रॉल सिम्टम ठीक है इसमें क्या क्या होगा इस इसपे क्वेश्चन आ चुका है बेटा एंगजाइटी होगी कांपेगा का वो नौजिया होगा पसीना आएगा ठीक है ये होते हैं विड्रॉल सिम्टम और ये कैसे ठीक होंगे जब आप उसे वो ड्रग दोगे जैसे आपने उसे ड्रग दी वो ठीक हो जाएगा और आपसे उसने वो आपने उससे वो ड्रग लिए तो यार वो सिम्टम्स फिर से आ जाएंगे ऐसा जनरली नशा मुक्ति केंद्र में होता है जो लोगों को ड्रग्स छोड़ना होता है उनको यार ये स्टेज पार करनी ही पड़ेगी तो एक बहुत विल पावर चाहिए होती है बेटा ड्रग्स को छोड़ने के लिए क्योंकि विड्रॉल सिम्टम तो आते ही है बहुत एंगजाइटी होती है ठीक है यस ओके नेक्स्ट आता है कि अगर आप ड्रग्स लेते हैं अगर बेटा जी आप ड्रग्स लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं ना ड्रग्स की डिमांड को पूरी करने के लिए चोरी करेंगे अगर स्टूडेंट की बात करें पैसा तो होता नहीं है कितना पॉकेट मनी ड्रग्स में लगाओगे है ना इधर उधर से चिराओगे गलत काम करोगे मारोगे वायलेंट हो जाओगे तो ड्रग्स के साथ साथ और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं आपका जो कांटेक्ट है अपने माँ बाप से अपने दोस्तों से वो भी बिगड़ने लगता है आप बड़े चिड़चिड़े टाइप के हो जाते हो राइट चलिए ये देखिए हाँ जी अब इन्होंने बताया कि एक्सेसिव डोजेज ऑफ ड्रग्स में लीड टू कोमा एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर हार्ट फेलियर सेमरेज देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें करती कि ज्यादा यूज करोगे तो डेथ भी हो सकती है द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस आर

फाइनेंशियली मेंटली हर जगह से उसको भी और उसकी पूरी फैमिली को भी इंपैक्ट होगा yes, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा यस दो इंट्रावेनसली अब बात कर रहे हैं कि जो लोग इंजेक्शन से ड्रग लेते हैं इंट्रावेनसली यानी कि इंजेक्शन से उनको एड्स जैसी बीमारी हो सकती है हमने बात कर ली हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारी हो सकती है बेटा इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि जो लोग ड्रग्स इंट्रावेनसली लेते हैं उनको कौन कौन सी डिजीज हो सकती है तुम बोलोगे एड्स हो सकती है और क्या हो सकती है हेपेटाइटिस बी द द वायरस इज फॉर डिजीज दे आर ट्रांसफर्ड बाय शेयरिंग ऑफ नीडल्स ठीक है बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी आर क्रॉनिक इन्फेक्शन एंड अल्टीमेटली फेटल डेथ होती है दोनों से कोई इलाज नहीं है बेटा इसका ठीक है ये चीजें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड से भी हो सकती है अब यार बात कर रहे हैं ड्रिंकिंग की ड्रिंकिंग पे आ जाओ एल्कोहल ड्रिंकिंग पे आ जाओ क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल कौन से सिस्टम को डैमेज करेगा दिस कैन बी ए क्वेश्चन

लीड्स टू एडवर्स इफेक्ट जिसको बोलते हैं FAS, Fetal alcohol Symptom, syndrome. Fetal alcohol syndrome. ये कौन बच्चे हैं हैं अभी भी calling पे लगे हुए क्या बच्चों का दिमाग नहीं क्लास चल रही है बीच में मतलब आई हेट दिसकोहल सिंड्रोम हो सकता है बच्चे की फॉर्मेशन में मॉर्फोलॉजिकल प्रॉब्लम आ सकती है yes और क्या बताया है Another use of drug is

राइट right? एनाबॉलिक जो मसल फॉर्मेशन करेंगे एंड सर्टेन जिससे उनके मसल स्ट्रेंथ बढ़े बल्कि हो जाए अग्रेसिव हो जाए जैसे स्पेशली बॉक्सिंग बॉक्सिंग की फाइट में ये अग्रेसिवनेस चाहिए होती है बट इनके बेटा इनके साइड इफेक्ट्स भी हैं क्या जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड अगर लड़कियां ले रही हैं तो भैया उसमें लड़कों जैसी कैरेक्टर्स आने लगेंगे मैस्कलाइज जिसमें बेटा लड़कों की तरह बाल आएंगे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होगी एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस हो जाएगा लड़कों की तरह आवाज भी भारी हो जाएगी और अगर मेल्स लेते हैं तो लड़कों को एक्ने हो जाएंगे एक्ने तो दोनों को ही हो सकते हैं ठीक है एक्ने यानी कि पिंपल लड़के भी अग्रेसिव हो जाएंगे बहुत मूड स्विंग्स आएंगे डिप्रेशन आएगा रोडक्शन इन द साइज ऑफ टेस्टिकल्स अगर टेस्टिकल्स का साइज कम हुआ तो स्पर्म काउंट भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा एंड पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लिवर डिस्फंक्शन ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट लड़कों में हो सकता है इसकी वजह से लड़के जल्दी समय से जल्दी गंजे हो सकते हैं प्रीमेच्योर बॉल्डनेस एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लांस डीज इफेक्ट में बी परमानेंट विदाउट प्रोलॉन्ग यूज अगर आप लंबे समय तक कोई स्पोर्ट्स पर्सन बेटा ये एनाबॉलिक स्टेराइड लेता है तो ये परमानेंट इफेक्ट्स बनते हैं एडोलेसेंट मेल और फीमेल में सेवरल फेशियल हेयर बॉडी एक्ने एंड प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर ऑफ द लॉन्ग बोन में रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ उनकी हाइट भी कम रहती है क्योंकि उनकी लॉन्ग बोन्स जहां से ग्रो करनी है उन जो सेल प्लेट्स हैं वो टाइम से जल्दी क्लोज हो जाएंगी उनकी हाइट भी क्या रह जाएगी स्टंटेड यानी कि छोटी रह जाएगी अब यार इन ड्रग्स को कैसे टैकल किया जाए इम्पैक्ट तो बहुत है इम्पैक्ट तो बहुत है कैसे ठीक किया जाए भैया ठीक करने के लिए आपको प्रेशर में नहीं आना ठीक है आपकी अपनी चॉइस है आप किसी दोस्त के कहने पर नहीं करना चाहिए आपको समझना चाहिए यू आर एन इंडिविजुअल आपको भगवान ने अलग से बुद्धि दी है आपका दिमाग दिया है आपको पढ़ने समझने सोचने समझने की क्षमता दी है तो यार आपको किसी के प्रेशर में आके ये चीजें नहीं करनी चाहिए नेक्स्ट बेटा एजुकेशन एंड काउंसलिंग ठीक है आपको uh, प्रॉपर अगर एजुकेट किया जाए जैसे बंदा जा तो अगर बेटा आपको सम वन इज इन नीड किसी को जरूरत है सम कोई ड्रग एडिक्शन की तरफ जा रहा है तो यार अपने पेरेंट्स को बताइए उसके पेरेंट्स को बताइए कुछ गलत नहीं है अपने दोस्तों की मदद लो पेरेंट्स की मदद लो लुक फॉर डेंजर साइंस आप बेटा अपने घर में अपने बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन उसमें साइंस को देखिए कि कहीं इसकी परफॉर्मेंस कम तो नहीं हो रही कहीं चिड़चिड़ा तो नहीं हो रहा कहीं बहुत रेबेलियस तो नहीं हो रहा तो ये सब बेटा साइंस देखिए साइंस देखोगे तो आप उसकी मदद कर पाओगे ठीक है मदद कर पाओगे एंड सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प कोई गलती नहीं है कोई यू नो ये स्टिग्मा नहीं है कोई टैबू नहीं है कि यार ये ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में जाना कोई बात नहीं सबसे गलती होती है और अगर गलती हो जाती है उस गलती में रहना सबसे बड़ी गलती है आप अगर खुद हैं तो बेटा बताएं अपने पेरेंट्स को अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं जो प्रॉब्लम में है इस टाइप की प्रॉब्लम में है तो बेटा मदद करें प्रोफेशनली हेल्प लें बहुत सारे ऐसे काउंसलर्स हैं डी एडिक्शन सेंटर्स हैं जहां पर आपको इस ड्रग एब्यूज से छुटकारा मिल सकता है बस एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि यार गलती हुई बट कोई बात नहीं आई विल इम्प्रूव इट आई विल कम आउट ऑफ इट बेटा ये जो होती है ना ये मैनिफेस्टेशन करूंगा करूंगा ये आपको किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल सकती है ठीक है ओके सो विद चैप्टर यहां पर बेटा आपका चैप्टर जो है वो हो चुका है समाप, समाप, ठीक है एनाबॉलिक स्टेरॉइड वाला पैरा जरूर देखना कि लड़कियों में क्या इंपैक्ट आता है लड़कों में क्या इंपैक्ट आता है राइट हम्म 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 ठीक है चलिए ओके सो विद दिस वी आर डन नाउ गेट सेशन और जिसने अभी भी अभी भी बेटा वो नहीं लिया है क्रैश कोर्स वो ले लेना पांच बजे बेटा ये सेशन होगा लिंक मैंने पिन करा दिया है आप एनरोल जरूर कर ले सेशन अच्छा लगता है यार लाइक भी कर दिया करो कभी तो लाइक कर दिया करो ताकि बूस्ट मिले इस सेशन को ये उन बच्चों तक पहुंच पाए जिनको एक करेक्ट बेस्ड टीचिंग नहीं पहुंच पा रही है मेरा बेटा एक लक्ष्य है लक्ष्य ये है कि मुझे मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचना है और इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है मैं चाहती हूं जो फाइनेंशियली वीक है जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो बच्चा डेफिनेटली बेटा इसको अफोर्ड करके आ जाए ओके okay, नेक्स्ट दूसरी चीज चलो बेटा कल मिलेंगे हम अब अपने फटाफट फड़ से ये देख लो कि क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है आज मेरी सेकंड क्लास है शाम को साढ़े छह बजे तो कोड लगाना है सी प्लाई एंड पहुंच जाना है आपको फोर फोर नाइन नाइन का पड़ेगा अभी भी बेटा आज लास्ट डे है तो एनरोल कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में और जो बच्चे सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं अथर्ड टेस्ट सीरीज है नाइन नाइन की इस पर बेटा कोड लगा दीजिए सी प्लाइ आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा ये इसकी डिटेल्स है कि कितने टेस्ट हैं कितने फुल सिलेबस है और कितने पार्ट टाइम टेस्ट है नाउ आई विल सी यू इन द इवनिंग तब तक एवरी वन टेक केयर एंड बाय बाय